हरे राम हरे राम।
आप किस तरफ आ सकते हैं?
बारिश तेज हो गई, उधर आ गई, सभी तरफ आ गई, उधर तुम थे उधर आ गई, उधर आ गई, अभिषेक रूम में इस तरफ आ गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब महान जीव आत्मा है, तो बारिश में आपको गायब हुआ की कथा सुनने के लिए हम लोग अभी ठीक कर जाएंगे, और इसका थोड़ा सा उसको क्रॉस नहीं आना चाहिए, तो हम थोड़ा बारिश होने की मन जाएंगे, लेकिन अब आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा और फील कर पाओगे कि नहीं पता नहीं होगा, क्योंकि अगर आप गाने पे फोकस करोगे बजाने पे कम कंफ्यूज कर दोगे, तो अभी कीर्तन में किसको फोकस करना है, गाने पे बजा भी सकते हैं लेकिन फोकस होना चाहिए किसको, गाने पे। जो करता है सफिशियंट है, जो करता है आप डिसाइड कर लो कौन बोलेगा, आप कौन सा खाना बजा लोगे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
हरे कृष्णा। आप सब आगे आ जाओ, जैसे अभी और बहुत सारे ड्यूटीज आएंगे, नो डाउट अबाउट इट, दे विल कम इन सम टाइम। ठीक है, आप लोग सब भीग तो नहीं गए, कोई बीमार तो नहीं है? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अब आप आए हैं तो आपको बहुत सारा बहुत बढ़िया बढ़िया चीज पता लगेगा। आप में से कितने लोग चल रहे हैं विप्लवा में? विप्लव वाले कौन है? विप्लव वाले पूरा अच्छा था, आपको कुछ एंगेजमेंट है? सब लोग चल रहे हैं विप्लव? विपुल जी आप नहीं चल रहे विप्लव में? कुछ एंगेजमेंट है आपका? चलो अच्छा ठीक है, तो जो लोग विप्लव में जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। ओके, तो किसी को याद है लास्ट टाइम क्या क्या डिस्कशन हुआ था, किस बारे में डिस्कस हो रहा था लास्ट टाइम? अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपके लिए इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो हमारे मयम टू है वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो IMF का यूट्यूब चैनल है उसका सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए। तो आप में से कोई ऐसा है जिसने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक IMF रुद्रपुर? आपने नहीं किया, घर जाके करना। बाकी सबने किया हुआ है पक्का IMF? उसके अराउंड 500 तो हो गए सब्सक्राइबर्स। वी वॉन्ट इट टू बी एटलीस्ट 1000, प्लीज हेल्प अस। आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उल्टे पुलटे अभद्र चैनल करते रहते हैं सब्सक्राइब लोग, उसको सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम लोग लाइव कर पाए। तो बहुत इजी है, हजार तो हमारे IMF में ड्यूटी है, उनका दो तीन दिन के अंदर 1000 क्रॉस हो गया। पता ही होगा बहुत सारे लोगों को कौन है, हमारा इतने महीनों में नहीं हो पाया। हमारा इतने एक साल में नहीं हो पाया 1000 क्रॉस है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद भी सब्सक्राइब करिए, बाकी अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलिए, बहुत इजी है, सब करेंगे तो हो जाएगा आराम से 1000 क्रॉस। ठीक है, ओके, नाउ यू कैन टेल लास्ट वीक में हमने क्या डिस्कशन किया था, याद है किसी को? कौन बताएंगे? हाँ सुजय जी, माइक है, एक्स्ट्रा माइक होगा ना वहाँ पे? दुनिया जानती है कुछ ऐसा बताइए जो नया था। गोवर्धन भगवान ने अपनी उंगली में उठाया था, कौन नहीं जानता ये? कोई है आपने से ऐसा? वो इंद्रदेव का प्रकोप था ना, इंद्रदेव का प्रकोप था गोवर्धन से, ये कौन बताएगा? गोवर्धन कैसे प्रकट हुए थे? हाथ हाथ खड़ा कर रहा, कैसे प्रकट हुए थे गोवर्धन? अच्छा काश को आप बताइए। सबसे पहले तो मतलब श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि ऐसा मतलब प्लेस बनाइए जो बहुत दिव्य हो, ऐसा प्लेस बनाने के लिए बोला था, रिक्वेस्ट की थी से। गोवर्धन वहां तो इन्होंने बता दिया कैसे प्रकट हुआ था गोलोक में, फ्रॉम गोलोक हाउ एंड व्हेन इट केम टू द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार में कैसे आया गोवर्धन भगवत, हाथ खड़ा करिए। ये तो बता दिए गोलोक में कैसे प्रकट हुआ, भगवान ने अपने हृदय से प्रकट किया, गोलोक से इस संसार में कैसे आया था गोवर्धन, कौन बताएंगे? मनी किशोर जी बताएंगे? मनी किशोर जी को दे दीजिए माइक। हरे कृष्ण प्रभु। जब श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी से बोला जाने के लिए पृथ्वी लोक में, तो उन्होंने शर्त रखी कि मेरे साथ में यमुना, गोवर्धन और वृंदावन। करेक्ट, ये तीनों। तो इस तरह से गोवर्धन फिर कहाँ पे आ गए? अब तीसरा और लास्ट प्रश्न, तो गोवर्धन वृंदावन में कैसे पहुंचे, ये कौन बताएगा? सबसे पहले हाथ खड़ा के धर्मदीप को शॉर्ट में बताना। हाँ वेरी गुड, तो आप सबको इंटेलिजेंट हो, सबको याद है, तो ये तीन चीज तो याद ही होना चाहिए एटलीस्ट। हाउ गोवर्धन गॉट अपीयर्ड इन गोलोक, हाउ गोवर्धन केम इनटू दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड हाउ गोवर्धन रीच टू वृंदावन। दीज आर द थ्री मेन थिंग्स विच वी शुड रिमेम्बर। तो चलो अच्छा, आप सबको याद है, मैं आशा करता हूँ ऑनलाइन भी कुछ लोग सुन रहे होंगे उनको भी याद होगा लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था। तो आज हमने जहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम, अब क्योंकि बारिश का मौसम है इतना ज्यादा, तो हम जल्दी रैप अप करेंगे, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो जल्दी फिनिश कर देंगे, फिर कुछ वीडियो देखेंगे, एंड देन प्रसाद इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो मेरे को ऐसा फीडबैक मिला लास्ट टाइम कि आधे से ज्यादा लोग तो समझ ही नहीं पाए अंग्रेजी में क्लास होने का, ऐसा तो नहीं हिस्ट्री नहीं आया लोग आ रहे मेरे को बोल रहे थे लोग जी आधे लोग आएंगे ही नहीं अगली बार, देखो सही में नहीं आया, और मुझे लग रहा है कि गलत कर दिया मैंने इंग्लिश में क्लास देखा, ऐसा तो नहीं हो गया पक्का? चलो आज हम इंग्लिश में क्लास करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। ओके, तो टुडे वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। हमने ये सब डिस्कस कर लिया था, पुलत से ऋषि ये सब हमने देख लिया था, फैक्ट्स अबाउट गोवर्धन, इतना हाइट इतना लेंथ ये सब भी देख लिया था, टीचिंग्स फ्रॉम गोवर्धन,
जी भी तो टीसी फ्रॉम गोवर्धन ने स्टार्ट किया था, याद है आप सबको, हमने पहला देखा था कि गोवर्धन इज डायरेक्ट कृष्णा। इसका प्रमाण क्या था, कौन सी ऐसी लीला हुई थी जिससे प्रमाणित हो रहा था कि गोवर्धन स्वयं भगवान कृष्ण है? हाँ आशीष को प्रभु जी हरे कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था और शेल्टर दिया था उन्होंने, फिर जब भगवान होम सर्च ग्रहण कर रहे थे उससे पहले जब गोवर्धन पूजा हो रही थी तो क्या हो रहा था, गोवर्धन सारे भोग खाने लगे, आनी और मीन्स ब्रिंग मी मोर और लाओ। राजमानी और एक गांव भी है वहां पे गोवर्धन के पास, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल हमने देखा था क्या, गोवर्धन इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी है ना, तो हरिदास सेवर, कि हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ है कौन, गोवर्धन। तो गोवर्धन यूनिक पर्सनैलिटी है, भगवान भी है और भक्त भी है, यूनिक पर्सनैलिटी, या तो कोई भगवान हो सकता है तो कोई भक्त हो सकता है, भगवान तो एक ही है, बट गोवर्धन इज यूनिक, ही इज कृष्णा ऑल्सो एंड ही इज द सर्वेंट ऑफ कृष्णा ऑल्सो, नॉट ओनली सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ही इज द टॉप मोस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो दिस वॉज द सेकंड प्रिंसिपल विच वी अंडरस्टूड इन द लास्ट। नाउ वी सॉ दिस वर्ड्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, दिस वर्ड्स सेड ऑफ ऑल द डिवोटीज दिस गोवर्धन हिल इज द बेस्ट, ओ माई फ्रेंड दिस हिल सप्लाइज कृष्णा एंड बलराम अलॉन्ग विद देयर काव्स काउज एंड कावर्ड फ्रेंड्स विद ऑल काइंड्स ऑफ नेसेसिटीज। यहाँ पे बता रहे थे कि गोवर्धन कृष्ण बलराम की लीला को संपन्न करने के लिए हर प्रकार की योजना में सहायता करते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। देखो अगर आप ये सब सुन के जाओगे ना विप्लव में, तो आपका विप्लव अलग ही होगा एज कम्पेयर टू दोज पीपल, दोज डिवोटीज हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, हु डोंट नो एनीथिंग, है कि नहीं? तो जो आप लोग इतना सुन रहे हो गोवर्धन के बारे में, अब जब आप गोवर्धन के दर्शन करोगे तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा कोई बताएगा, क्या क्या डिफरेंट लगेगा अभी सुन के जाने में और वैसे अगर आप जाते एकदम गोवर्धन के बारे में कुछ नहीं जानते होते तो? कौन बताएगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस? और भी लोग बोल सकते हैं जो अभी तक नहीं बोले, जिसने अभी नहीं बोला वो बोलेगा। प्रश्न ये है तो मैं बताएंगे, मैं बताइए, अभी हम गोवर्धन के बारे में जान गए हैं तो क्या होगा, अभी हम ज्यादा अच्छे से गोवर्धन के दर्शन कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आगे बता दीजिए। ओके दैट इज इट। ओके नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, आज हम पढ़ेंगे लास्ट के तीन प्रिंसिपल गोवर्धन से। ओके दिस इज द प्रिंसिपल फॉर टुडे, लेकिन ये प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम क्या बोलेंगे, मंगलाचरण। अब तो मुझे आशा है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को मंगलाचरण याद हो गई होगी। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणमिलिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवंदिता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और जो लोग ऑफलाइन मेरे सामने बैठे हैं, इन दिस सैटरडे यूथ भगवद गीता प्रोग्राम इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट श्री गोवर्धन, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवर कॉन्शियसनेस फॉर दिस मेगा यूथ फेस्टिवल कॉल्ड एज विप्लव। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ और प्रिंसिपल्स जो कि हम गोवर्धन लीला से समझ सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सबकी अपनी अपनी भूख है ना, किसी की किस चीज की भूख है, किसी की किस चीज की भूख है, लेकिन सामान्यतः बद्ध जगत में बद्ध लोगों में मैक्सिमम भूख किस चीज की है, रिस्पेक्ट की, सम्मान प्राप्त करने की भूख है। और ऐसी भूख जागृत हो गई थी किसके अंदर,
इंद्र के अंदर। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं पहले आपको चेतावनी दे दूं, डिस्क्लेमर, इंद्रदेव को ऐसा ऐसा नहीं समझ रहा है ना, हमारे जैसे नहीं इंद्रदेव, ही इज अ वेरी वेरी एडवांस डिवोटी ऑफ कृष्णा। अभी आप समझ भी जाएंगे आज का जब पूरा क्लास खत्म होगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई इंद्रा इज मच 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 एडवांस देन अस। किसी इंद्रदेव के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है, तेरे इंद्रदेव ऐसे कर रहे, तेरे तो ऐसे ही करते रहते हैं, वो जो भी कर रहे हैं भगवान की लीला में भाग लेने के लिए कर रहे हैं। और अभी आप समझेंगे कि इंद्रदेव ने ऐसा क्यों किया। लेकिन उस समय जब गोवर्धन पूजा हो रही थी तो इंद्रदेव को बड़ा गुस्सा आ गया। क्या गुस्सा आ गया? इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़ करके किसकी पूजा कर रहे हैं? पहाड़ की, पहाड़। इंद्रदेव को क्या पता कृष्ण है, वो क्या सोच रहा है कि मेरी पूजा छोड़ करके मैं, बारिश देखो, बारिश हो रही है, देखो इंद्रदेव बारिश करा रहे हैं अक्टूबर में। इंद्रदेव सोच रहे हैं कि मेरी पूजा छोड़ करके किसकी पूजा कर रहे हैं? पहाड़ की। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा आपको, पहाड़ की पूजा हो रही है। इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया। तो आप देखो, अगर हम ये प्रिंसिपल को कोरिलेट करें अपने जीवन में, तो इस सभा में जीव जंतुओं को छोड़ दें, अगर बैक्टीरिया वगैरह को, जितने भी हाथ पैर वाले इंसान दिख रहे हैं सभी भूखे हैं, है कि नहीं? सम्मान के भूखे, मैं तो हूँ एटलीस्ट, आपका तो हमें नहीं पता, बट आई एम हंग्री फॉर रिस्पेक्ट। एवरी वन ऑफ अस इज हंग्री फॉर रिस्पेक्ट। इंटेंसिटी कैन बी हायर और लोअर। सो इट्स नॉट अबाउट इंद्रा, इट्स द स्टोरी ऑफ अस, हमारी कहानी है जो हम सुनने जा रहे हैं। इंद्रदेव को बहुत गुस्सा आया कि मेरी पूजा छोड़ कर किसकी पूजा हो रही है? गोवर्धन की पूजा हो रही है। इंद्रदेव ने किसको बुलाया? सम्यंतक बादल को बुलाया। सम्यंतक बादल कौन है? विनाश है ना, जब प्रलय होता है, जब पूरी सृष्टि में प्रलय से संहार कर देना होता है तब वो बारिश करता है, सम्यंतक बादल। तो इंद्रदेव ने सम्यंतक को बुलाया और बोला कि पूरे ब्रज को क्या करो? डुबो दो, इनंडेट। ये हमने डिस्कस कर दिया था लास्ट टाइम, पूरे ब्रज को डुबो दो। और फिर सम्यंतक बादल ने क्या करना शुरू कर दिया? भयंकर बारिश, भीषण। ये बारिश क्या है? ऐसी बारिश की हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी बारिश सम्यंतक ने करना शुरू कर दिया। आप इमेजिन करो कि आप सड़क पे निकले और एक खंबा आपके सर पे गिर जाए पानी का, ऐसी बारिश होने लगी। कहां पे? ब्रज में, वृंदावन में। और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो वृंदावन के सारे लोग एज यूजुअल चिल्लाने के बाद जाने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। ना हमेशा ऐसे ही करते हैं वो लोग, जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो किसके पास जाना शुरू कर देते हैं? कृष्ण के पास जाना शुरू कर देते हैं। और कृष्णा एज प्रॉमिस्ड, कृष्णा एज प्रॉमिस्ड सेवरल टाइम्स इन श्रीमद् भागवतम एंड इन भगवद गीता, एंड आई ऑलवेज प्रोटेक्ट माई डिवोटीज। कभी कभी कृष्णा को लगता है कि ऐसा तो नहीं कि लोग मेरी बात ना माने, है ना? कभी कभी कृष्णा तथाकथित झूठ भी बोल देते हैं अपेरेंटली, ऊपर से देखने पे। तो कृष्णा गीता में अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन को? कौन्तेय प्रति जानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन जाओ और तुम ऐलान कर दो। किस बात का ऐलान कर दे जी? कि मेरे भक्तों का नाश कभी भी नहीं होता। तो कृष्णा ने अपने प्रॉमिस को पूरा किया और गोवर्धन को उठा लिया और सारे ब्रजवासी गोवर्धन के अंदर चले गए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ श्रीमद् भागवतम से कि जब इंद्र को क्रोध आया तो अपने क्रोध के आवेश में तो सबसे पहले क्रोध का इफेक्ट किसमें दिखता है पता है आपको? कि किसी को क्रोध आता है तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे दिखता है? हाँ बताइए। फेस पे, फेस पे। और जीभ पे कैसे? जीभ लाल हो जाती है। बातों में, शब्द में दिखाई देता है। सबसे पहला क्रोध का जो लक्षण दिखाई देता है वो किस पे दिखाई देता है? शब्द पे। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इतना इंद्रदेव को इतना क्रोध आया कि वो ऐसे शब्द बोलने जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप, है ना? कि इतने बड़े देवता भी भगवान के लिए ऐसा शब्द बोल सकते हैं तो हमारी क्या विसात है? हम किसके इतनी मोदी है? हमको कोई अपशब्द बोल रहे तो हमारी क्या विसात है? तो चलिए देखते हैं। तो अभी ये इंग्लिश में श्लोक है, मैं पढ़ूंगा, दो तीन श्लोक हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इंद्रदेव को जब क्रोध आया तो इंद्रदेव ने क्या क्या शब्द बोलना शुरू किया। चलिए सुनिए क्या बोल रहे हैं इंद्रदेव। तो यह श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 25 चैप्टर वर्स नंबर 4, इसके पहले एक श्लोक से चलेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा सब लोग, है ना? इससे अपने लाइफ में भी बहुत प्रिंसिपल सीख पाएंगे, क्योंकि ये जो टेंडेंसी है ये सभी की है रिस्पेक्ट पाने की। तो क्या बोल रहे इंद्रदेव देखिए, अगर वाईफाई अलाउ कर दिया तो हम पीछे जाके देख पाएंगे। वाईफाई भी नहीं चाहता है कि ऐसे शब्द भगवान के लिए रिपीट किए जाए। वाईफाई काम नहीं कर रहा है, क्या करें? ओके, दूसरा कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, देखिए ये है शब्द। ओके 10.25.3 सुनिए क्या बोल रहे हैं। इंद्र सेड, इसमें भी नहीं आ रहा है, एज यूजुअल हमेशा बदमाशी है।
ये पीपीटी का जब स्लाइड चेंज होता है तो ये हैंग कर जाता कैसे करें ये हैंग हो गया अब ये गायब हो गया ठीक है दिख रहा है सबको दिख रहा है क्लियर सुनिए इंद्र ने क्या बोला सब ध्यान से सुनेंगे ना थोड़ा देर डिस्कस करेंगे ध्यान से सुन लेंगे तो जीवन भर के लिए प्रिंसिपल हमको मिल जाएगा इंद्र से जस्ट सी अरे रे देखो हाउ दिस कावर्ड मैन लिविंग इन द फॉरेस्ट हैव बिकम सो ग्रेटली इंटॉक्सिकेटेड बाय देयर प्रॉस्पेरिटी इतने पागल हो गए हैं कौन ये ब्रजवासी लोग अपने प्रॉस्पेरिटी से अपने ऐश्वर्य से इतने पगला गए हैं क्या कर दिए पागलपन में दे हैव सरेंडर्ड टू एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कृष्णा एंड दे हैव ऑफेंडेड द गॉड्स दे क्या बोल रहे हैं सुनिए क्रोध का सिम्टम देखिए कैसे शुरू होता है क्रोध सबसे पहले जब क्रोध आया इंद्र को तो इंद्र कृष्ण की स्थिति को कहां ला दिए हैं नीचे ये क्रोध में ऐसे ही होता है देखिए जैसे किसी में क्रोध आता है तो सामने वाले व्यक्ति का वैल्यू क्या कर देते हैं ये बोल रहे हैं कि देखो इन लोग इतने मूर्ख हैं ये ब्रजवासी कि ये देवी देवताओं की पूजा छोड़ करके किसके प्रति शरणागत हो गए हैं एक सामान्य से व्यक्ति के सामान्य व्यक्ति हैं यही कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवत में बोला गया है इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे जब इंद्र जी के ऊपर दुर्घटना घटती है तो कौन बचाने आता है कृष्ण और इंद्र पे आप क्या बोल रहे हैं कृष्ण को कि देखो देखो इतने पागल पागल कौन हुआ है एक्चुअली मध में कौन पागल हुआ है इंद्र और किसको बोल रहे हैं मच्छर भी पागल हो गए आज तो पागल तो एक्चुअली अपने मध में अहंकार में कौन आ गया है इंद्र आ गए हैं लेकिन किसको बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं ब्रजवासियों को बोल रहे हैं कि देखो देखो ये इतने पागल हो गए हैं ब्रजवासी लोग कि ये क्या कर रहे हैं साधारण से मनुष्य के सामने शरणागत हो गए देखिए अभी तो शुरुआत हुई है आगे देखिए क्या बोल रहे हैं आगे कुछ शब्द पढ़ेंगे जो ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सुनिए कह रहे हैं They are taking shelter of Krishna is just like the foolish attempt of men who abandon transcendental knowledge of the self and instead try to cross over the great ocean of material existence in the false boats of futile ritual sacrifice. थोड़ा हाई लेवल है श्लोक हम समझाता हूँ क्या बोल रहे हैं ऑफ कोर्स इस श्लोक को बाद में समझेंगे ये श्लोक बाद में समझेंगे आगे देखते हैं देखिए आगे क्या बोल रहे हैं इंद्र आगे कह रहे हैं दीज कावर्ड मैन हैव एक्टेड इनिमिकली टुवर्ड मी बाई टेकिंग शेल्टर ऑफ दिस ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग कृष्णा हु थिंक्स हिमसेल्फ वेरी वाइज बट हु इज सिंपली अ फूलिश एरोगेंट ओवर टॉकेटिव चाइल्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं इंद्र बोल रहे हैं ब्रजवासियों को ये लोग इतने पागल हो गए हैं कौन कौन पागल हो गया ब्रजवासी कि इन लोगों ने एक मनुष्य का शरण तो लिया ही है ऊपर से किसका शरण लिया है कृष्ण का जो कि कौन है गधा है फुलिश है देखिए क्या है वाइज बट हु इज सिंपली अ फुलिश अच्छा गधा तो है लेकिन अपने आप को ये लड़का क्या समझता है अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है कृष्ण को बोल रहे हैं इंद्र कि ये ऐसे तो मूर्ख है ये लड़का लेकिन अपने आप को क्या समझता है बुद्धिमान समझता है अच्छा और एरोगेंट भी है क्या है ये घमंडी है एक नंबर का कौन कौन घमंडी है कृष्णा ये जो लड़का है मनुष्य घमंडी है तीसरा क्या बोल रहे हैं हाँ बकबक करता रहता है बकबक करता रहता है देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है ये देखिए यहाँ पे लिखा है मर्त्यम मर्त्य बार बार शब्द प्रयोग हो रहा है मर्त्य मर्त्य मतलब क्या होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है मर्त्य मतलब ह्यूमन बीइंग अच्छा और यहाँ पे क्या पंडिता मानिनम का क्या मतलब होता है तो आप देखोगे कभी क्रोध आता है तो हम बोलते हैं ऐसे ज्यादा बुद्धिमान समझोगे अपने आप को हो नहीं थे बुद्धिमान नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा ऐसे होता है आप देखो क्रोध में हमको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है बेवकूफ है एक्चुअली दोनों ही बेवकूफ है लेकिन ऐसी एक मेंटेलिटी होती है तो इंद्र को भी क्या लग रहा है अभी इंद्र को इतना क्रोध आ रहा है कि इंद्र बोल रहे हैं कृष्ण को कि है नहीं बुद्धिमान लेकिन अपने आप को क्या समझ रहे बुद्धिमान समझ रहे भाई सारी बुद्धि के स्रोत कौन है कृष्ण गीता में बोल रहे हैं आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन कृष्ण ऐसा बोल रहे गीता में कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति का क्या हूँ मैं बुद्धि हूँ कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं बलवान का क्या हूँ इंद्र बोल रहे हैं यहाँ पे इंद्र यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो देखो ये कृष्ण को देखो ये बुद्धिमान तो नहीं है लेकिन ये अपने आप को क्या समझ रहा है पंडिता मानिना का मतलब क्या होता है बुद्धिमान पंडित अपने आप को मान रहा है तो आप देखिए ये है क्रोध का सिम्टम
आप सब मानते हो कि हमें क्रोध आता है? कितने लोग मानते हैं कि क्रोध आता है? अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, लास्ट एक हफ्ते में किसको किसको क्रोध आया है किसी न किसी बात पर? देखो मैक्सिमम लोगों को आया, मुझे भी आया लास्ट के वन वीक में। अच्छा लास्ट तीन दिन में कितने लोगों को क्रोध आया है? क्रोध देखो आपके सामने है डेटा, आपके सामने है ना, लास्ट के तीन दिन। अच्छा चलो लास्ट के दो दिन में किसको किसको क्रोध आया है? आधे लोग तो अभी बात कर रहे हैं मेरे को भी आया है, कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए ना। तो यहाँ पे इंद्र को इतना क्रोध आ रहा है कि इंद्र बोल रहे हैं, आप समझिए इंद्र कृष्ण को इस लेवल पे ले आ रहे हैं। तो साधारण व्यक्ति के बारे में अगर ऐसा बोला जाए तो कोई आश्चर्य है? कोई आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। जब भगवान को भी क्रोध आने की वजह से एक जीव ये बोल सकता है कि तो उल्लू हो, लेकिन अपने आप को क्या समझ रहे हो? बुद्धिमान समझ रहे हो। तो हमारे जैसे साधारण लोगों को अगर कोई ये बोल दे तो कोई आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन फिर भी आश्चर्य होता है क्योंकि हम बद्ध है। आगे क्या बोल रहे हैं? एरोगेंट, तुम कौन हो? घमंडी हो तुम, घमंडी एरोगेंट। और क्या बोल रहे हैं? ओवर टॉकेटिव। देखिए यहाँ पे क्या शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाचालम। वाचालम मतलब क्या होता है? वाचा मतलब बोलना, और वाचालम मतलब ये बकबक बकबक बकबक। कौन सा बकबक कर रहे थे? नंद महाराज को समझा रहे थे ना, क्या समझा रहे थे कि आप गोवर्धन की पूजा करो और इंद्र की पूजा मत करो। तो ज्यादा ही बकबक कर रहा है ये, थोड़ा ज्यादा ही बकबक कर रहा है ना। ऐसा नहीं होता कोई हमारी बात ना माने और किसी और की बात माने तो हमको गुस्सा आता है, तो क्या बोलते? ज्यादा ही बकबक, मेरे को तो आता है, तो ज्यादा ही बकबक कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे। तो वाचालम। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जान करके कि ये जो शब्द इंद्र ने प्रयोग किए भगवान कृष्ण के लिए, जो हम भी अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो आप देखिए शब्द का कितना महत्व है। तो कृष्ण के लिए जब ये अपशब्द प्रयोग किए गए तो सरस्वती देवी ने इंटरवीन कर दिया। लेकिन हमारे केस में अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो हमारे केस में सरस्वती देवी इंटरवीन नहीं करती है। इसीलिए हमें साधारण लोगों में शब्द का बहुत ज्यादा क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। और देखो शब्द ऐसी चीज होती है, इंद्र ने ये शब्द बोला तो श्रीमद् भागवतम के पन्नों में ये शब्द क्या हो चुके हैं? छप गए हैं अभी। और जब तक की सृष्टि रहेगी तब तक इंद्र के द्वारा बोले गए इन शब्दों को पढ़ा जाएगा, आप समझे? तो इसीलिए शब्द बोलते समय बहुत ज्यादा क्या रहना चाहिए? बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शब्द बाण अगर चल गए एक बार तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन क्योंकि ये शब्द भगवान कृष्ण के लिए बोले गए हैं, ओम पूर्णम इदम पूर्णम पूर्णा पूर्णम उदच्यते, भगवान कृष्ण क्या है? पूर्ण है। तो उनके लिए अगर अपशब्द भी बोला जाए तो अपशब्द भी क्या बन जाएगा? क्या बन जाना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? भगवान पूर्ण है, ठीक है, भगवान की कोई निंदा हो ही नहीं सकती। तो अगर भगवान की कोई निंदा करने का प्रयास करे भी तो वो निंदा क्या बन जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है? हाँ कोई बोल रहा है? कितने लोगों को लगता है कि वो निंदा भी प्रशंसा बन जाएगी? हाँ यही हुआ। अब ये कैसे हुआ ये इस तात्पर्य में समझाया गया है कि सरस्वती देवी ने एक एक अपशब्द को किसमें परिवर्तित कर दिया? She converted all the blasphemy into the glorification of the Supreme Lord Shri Krishna. And how she converted? You see. According to Srila Sridhar Swami, though the insult of Indra, through the insults of Indra, Goddess Saraswati is actually praising Krishna. तो वाणी की देवी कौन है? सरस्वती है। तो कह रहे हैं कि इंद्र ने तो इंसल्ट किया, लेकिन सरस्वती देवी ने उन शब्दों के माध्यम से भी किसका गुणगान कर दिया? कृष्ण का गुणगान कर दिया। देखिए कैसे किया, इसको आप स्मरण करोगे ना, जब आप गोवर्धन को देखोगे तो आपको ये सब याद आएगा। द आचार्य एक्सप्लेन्स वाचालम, पहली गाली कौन सी थी इंद्र ने? क्या करता है ये बकबक करता है, बहुत ज्यादा बकबक करता है, ये बेवकूफ है एकदम, अपने आप को पंडित समझता है, पंडित समझ के क्या करता रहता है? ये बकबक करता है। हम लोग भी बोलते हैं ज्यादा ही पंडित बन रहे, इतने महान नहीं है आप, इतने महान मत समझिए अपने आप को ना। तो ये ऐसे इंद्र को लग रहा था कि इतने महान नहीं है। लेकिन आप देखिए सरस्वती देवी ने क्या किया, वाचालम मीन्स वन हु कैन स्पीक अकॉर्डिंग टू वेदिक अथॉरिटी। तो सरस्वती देवी ने वाचालम की क्या मीनिंग निकाल दी कि हाँ कृष्णा वाचालम ही तो है। वाचालम मतलब जो वाचा करते हैं किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं। तो कृष्णा बहुत बोलते हैं लेकिन वो सारी बात किसके अकॉर्डिंग होती है? शास्त्रों के अकॉर्डिंग। देखिए इंद्र ने क्या समझ के बोला वाचालम, इंद्र ने क्या समझ के बोला था? बकबक करता है। सरस्वती देवी ने क्या निकाल दिया उसका? ज्यादा तो बोलता है ये, किसके अकॉर्डिंग बोलता है? शास्त्र के हिसाब से बोलता है। तो देखिए पहला शब्द किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लोरिफिकेशन। दूसरा देखते हैं बालिशम, बालिशम क्या समझ के बोला था इन्होंने? बालिशम मतलब क्या था? छोटा बच्चा, छोटा सा बच्चा है, अपने आपको क्या समझता है?
बहुत महान संस्था है बालिश्रम। अब देखते हैं सरस्वती देवी ने क्या कर दिया बालिश्रम का मतलब। बालिश्रम मीन्स फ्री फ्रॉम प्रिटेंशन जस्ट लाइक अ चाइल्ड। वाह क्या मीनिंग है, सोच भी नहीं सकते हम। बच्चों के अंदर क्या गुण होता है, बच्चे बच्चों के अंदर कैसे है ऐसा यूपी में बोलते हैं बच्चे मन के सच्चे फिर बोलते रहते हैं बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मतलब मन के ज्यादा कुछ कपट नहीं करते, ज्यादा कपटबाजी और ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करते, जो उनके हृदय में है वो साफ साफ बोल देते हैं। तो सरस्वती देवी क्या मीनिंग निकाली बालिश्रम का कि हाँ कृष्णा तो बालिश्रम ही है क्योंकि कृष्णा के हृदय में कोई कपट नहीं है, कृष्णा का हृदय क्लीन है, सबसे क्लीन है और कोई भी कपटपूर्ण व्यवहार कृष्णा नहीं करते। तो बालिश्रम शब्द कैसा हो गया, जो गाली समझ करके इंद्र ने बोला कृष्ण को वो क्या बन गया, क्या बन गया प्रशंसा बन गया। दूसरा पहला क्या था वाचादम, दूसरा क्या था बालिश्रम। हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है यहाँ पे स्तब्धम। स्तब्धम मतलब क्या था अड़ियल घमंडी। स्तब्धम स्तब्धम मीन्स दैट ही बोज डाउन टू नो वन बिकॉज देयर इज नो वन फॉर हिम टू ऑफर होमेज। वाह क्या बात है, सरस्वती देवी ने कमाल कर दिया। तो सर इंद्र ने क्या बोला कृष्ण को, ये एक नंबर का क्या है, ये घमंडी है। ये घमंडी लोग क्या करते हैं, झूठते हैं किसी के सामने। हमें बहुत पहले ऐसे शायरी सुनी थी, बहुत बढ़िया लगती मुझे शायरी, मैं कई बार सुनाता हूँ, सुनेंगे आप लोग। सिद्धू जी ने सुनाई थी शायरी, सिद्धू जी वैसे तो मैंने उनको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता हूँ लेकिन ये शायरी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। मैं बहुत छोटा था उस समय, वो आता था वहां से कॉमेडी शो आता था, मतलब वो अभी राजू श्रीवास्तव जी ने शरीर छोड़ दिया तो वो वाला जो कॉमेडी शो आता था, क्या नाम था उस कॉमेडी शो का, कॉमेडी नहीं नहीं कॉमेडी नाइट्स नहीं, नाम ही हो गया आपको लाफ्टर सेंस, कपिल शर्मा और सब है जो भी था। तो उसमें एक बार उसने एक शायरी है ना, तो ऐसे ताली नहीं ठोको ताली करता था ना ठोको ताली, तो उसने एक बार शायरी बोली कि झुकते वही है जिसमें जान होती है, बोली साथ में झुकते वही है अकड़ना तो। आप लोग जानते हो पहले शायरी, जबरदस्त शायरी है कि नहीं। देखो पेड़ होता है पेड़ सूखा पेड़ झुकता है नहीं झुकता, कौन सा पेड़ झुकता है, ये संस्कृत का श्लोक है पता है आपको, संस्कृत का श्लोक है। अच्छा गीता का कौन सा श्लोक है कोई बता सकता है, भगवद गीता का एक श्लोक है जहां पे भगवान विद्या को एक क्वालिटी से कंपेयर करते हैं। चलो मैं बोलूंगा फिल्म द ब्रांच भरना विद्या - संपन्न है, क्या है विद्या दलाती विनयम भी एक श्लोक है दूसरा, लेकिन गीता का एक श्लोक है विद्या - संपन्न है, पंडित द क्वालिटी बताते हैं भगवान, पता है किसी को। चलो अभी आप लोग क्या है विद्या विनय संपन्न है, कृष्ण गीता में बोलते हैं श्लोक विद्या के साथ भगवान किसको जोड़ते हैं विनय। विनय मतलब क्या होता है, विनय मतलब ह्यूमिलिटी विनम्रता है ना। और जैसे ये एक बोल रहे हैं विद्या ददाति विनयम, ये भी एक श्लोक है वेदों का जिसमें क्या बताते हैं कि विद्या किस चीज को देता है विनय को देता है, विद्या ददाति विनयम। तो आप देखो इंद्र ने बोला कृष्ण को कि ये कौन है घमंडी है, घमंडी क्या है स्तब्धम। पहला शब्द क्या था याद रखिएगा शब्द वाचालम, दूसरा शब्द क्या था बालिश्रम, तीसरा शब्द स्तब्धम। वाचालम बालिश्रम स्तब्धम, स्तब्धम मतलब घमंडी, किसी के सामने नहीं झुकता ये, तो ये बात सत्य है कि नहीं, क्यों झुके कृष्ण किसी के सामने। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। क्या बोल रहे कृष्ण गीता में कि भैया मैं क्यों झुकने वाला किसी के सामने, अहम सर्व विभाव सबका, अहम सर्वस्व प्रभवो, अहम बीज प्रदा पिता, अहम बीज प्रदा पिता, पूरे संसार को बीज देने वाला पिता कौन है मैं हूं। तो क्यों झुकने लगे कृष्ण किसी के सामने, क्यों झुके भाई कृष्णा किसी के सामने झुके नहीं क्या, लेकिन फिर भी कृष्णा झुकते हैं किसके सामने, किसके सामने झुकते हैं अपने भक्तों के सामने, कृष्णा फिर भी झुक जाते हैं अपने शुद्ध भक्तों के सामने। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कृष्णा मतलब क्यों झुके किसी के सामने, अहम बीज प्रदा पिता मैं तो सबको बीज देने वाला पिता हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु मैं तो सबका प्रभु हूँ है ना। और क्या है सूत्र मणि कणाय हुआ, सारा कुछ किस पे आश्रित है, मुझ पे ही आश्रित है, किस प्रकार जिस प्रकार मोती की माला में मोती आश्रित होती है किस पे धागे पे। तो क्यों झुके भाई कृष्णा किसी के सामने, तो सही बोल रहे हैं इंद्र इस तरफ, तो सही बात है, तो इस तरफ तो फिर क्या हो गया सही हो गया ना ये। तो देखो तीसरा क्वालिटी जो इंद्र ने अपशब्द समझ करके बोला लेकिन वो क्या निकल गया प्रशंसा निकल गई। अब हम देखेंगे चौथा, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है अज्ञम, दिख रहा है अज्ञम दिख रहा है आप लोग को,
होमेश के बगल में देखो, होमेश के बगल में लिखा हुआ अज्ञम, ए जी एन एम, दिखा तीसरी लाइन दिख रहा है अज्ञम, दिखा अज्ञम मतलब क्या होता है, अज्ञानी है, अज्ञानी कुछ पता नहीं इसको अज्ञम। लेकिन देखो इसका मीनिंग सरस्वती देवी क्या निकाल रही है, मीन्स दैट देयर इज नथिंग मोर फॉर हिम टू नो। अज्ञानी का एक मीनिंग हुआ जो कुछ नहीं जानता, ठीक है, क्या मीनिंग हुआ जो कुछ नहीं जानता। सरस्वती देवी इसकी क्या मीनिंग निकाल रही है, इसके लिए जानने योग्य और कुछ है ही नहीं, मतलब ये सब कुछ जानता है। समझदार आप सबको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, अज्ञम का साधारण मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता, लेकिन सरस्वती देवी उसका क्या मीनिंग निकाल रही है कि इसके लिए जानने और योग्य और कुछ बचा ही नहीं है। अज्ञम, देखिए इंद्र ने सोचा कि अज्ञम बोल करके मैं गाली दूंगा कृष्ण को, लेकिन सरस्वती देवी क्योंकि भगवान की सेविका है तो उन्होंने क्या किया, उसी अपशब्द को क्या बना दिया, प्रशंसा बना दिया। तो हमने चार वर्ड देख लिए, पहला वर्ड क्या था बाली शब्द वाचा, दूसरा शब्द क्या था बाली शब्द, तीसरा शब्द तब्धम, चौथा अज्ञम। याद रहेगा कितना सुंदर है ये सारा वर्ड्स, तो आप किसी को बता सकते हो कि देखो भगवान कितने महान है, भगवान को कोई गाली भी देगा तो क्या बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं शास्त्रों में, मान लो कोई व्यक्ति यूरिनेट कर दे, टॉयलेट कर दे कहीं पे, ठीक है, टॉयलेट कर दिया और सूर्य निकला, तो सूर्य क्या करेगा, सूर्य पोल्यूट होगा उस टॉयलेट से, कितने लोग लगता है कि होगा, जो कितने लोग लगता है कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जो लोग कह रहे हैं नहीं होगा, कैसे नहीं होगा बताइए, क्या करेगा एग्जैक्टली सूर्य, किसी ने यूरिन पास किया सड़क पे, सूर्य निकला, तो प्रश्न ये है कि क्या सूर्य उस यूरिन की स्मेल से गंदा होगा, आप लोग कह रहे हो नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा ये बताइए। सूर्य क्या करता है, सूर्य उस यूरिन को भी क्या कर देगा, भाप बना करके उड़ा देगा, और सूर्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भगवान है ऐसे, भगवान को ये अपशब्द भी बोल रहे हैं इंद्र, तो वो अपशब्द भी क्या बन जा रहे हैं, प्रशंसा बन जा रही है, इतने महान है कृष्णा और इतने महान है गोवर्धन। तो ये अज्ञम का मतलब क्या हो गया कि जिसके लिए और जानने योग्य कुछ बचा ही नहीं। अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे क्या दिया हुआ है, पंडिता मानिना, पंडिता मानिना का क्या मतलब देखा था हमने, अपने आपको क्या समझता है, पंडित समझता है, बहुत बुद्धिमान समझता है अपने आपको। मीन अब इसका सरस्वती देवी क्या मीनिंग निकाल रही है, देखिए, ही इज हाईली ऑनर्ड बाय द नोअर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। देखिए अभी पंडिता मानिना का क्या बोल रही है सरस्वती देवी, कह रही है कि जो पंडित लोग है ना उनके द्वारा मान्यता प्राप्त है, किसको, कृष्ण को, समझे आप सब, समझ आ रहा है आप सबको, ज्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहा है, थोड़ा ये एजोटेरिक मीनिंग से है। पंडिता मानिना का वैसे तो मतलब इंद्रदेव समझ रहे हैं कि अपने आप को ये क्या समझता है, पंडित समझता है। सरस्वती देवी क्या मतलब निकाल रही है, पंडितों के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। देखिए कितना सुंदर मीनिंग कि पंडिता मानिना, कि पंडित लोग भी इसको क्या करते हैं, मानते हैं, पंडित मतलब जो बहुत ज्ञानी लोग हैं वो भी किसको मानते हैं, ये मानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। देखिए ये पांचवा, और फिर लास्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृष्णा मीन द एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो कृष्ण को जानते हैं। तो हमने पांच वर्ड्स देखे, सबसे पहला वर्ड्स क्या था, वाचालम, वाचालम का मीनिंग क्या निकाला सरस्वती देवी ने, देखिए सरस्वती देवी ने क्या मीनिंग निकाला, वेदों की बात बोलता है ये। दूसरा वर्ड क्या देखा हमने, बालिश्रम, बालिश्रम का मीनिंग देवी ने क्या निकाला, कपट नहीं है, बच्चों की तरह कैसा इसका हृदय सरल है। तीसरा मीनिंग क्या देखा हमने, स्तब्ध, क्या निकाला मीनिंग सरस्वती देवी ने, सही बात है ना, क्यों झुकेगा किसी के सामने, तो क्वालिटी है भगवान की, भगवान सर्वश्रेष्ठ है। चौथा क्या देखा, अज्ञम, अज्ञम, अज्ञम का क्या मीनिंग निकाला, इसके लिए जानने में और कुछ है ही नहीं। और पांचवा मीनिंग क्या देखा हमने, पांचवा वर्ड क्या था, नहीं कृष्ण से पहले पंडिता मानिना, पंडिता मानिना का क्या मीनिंग निकाला, पंडित लोग भी इसको मानते हैं कि परम भगवान, देखिए ये है भगवान। हमको कोई गाली देगा तो आएंगे सरस्वती देवी, हमको चलते चलो गाली देते रहते हैं, कुछ होता है इसका मीनिंग। लेकिन देखिए भगवान को अगर कोई अपशब्द भी बोलता है तो वाणी की देवी स्वयं सरस्वती वो उन सारे अपशब्दों को क्या कर देती है, प्रशंसा में परिवर्तित कर देती है। गॉडेस सरस्वती ट्रांसफॉर्म्स दोस इल वर्ड्स इनटू ग्लोरीज, इनटू स्तुति ऑफ श्री कृष्णा। This is the glory of Supreme Lord Shri Krishna, and that's why He is the Supreme Lord, and we are not God.
Have you ever seen anyone who has been blasphemed, who has been criticized in this world? His blasphemy has been converted to glories? कभी देखा हमने ऐसे? कभी नहीं देखा. लेकिन भगवान के संदर्भ में देखिए, भगवान का कोई अपशब्द बोल रहा है तो क्या हो रहा है? वो सारे अपशब्द किस में परिवर्तित हो जा रहे हैं? प्रशंसा में. ये है भगवान कृष्ण. और ऐसे ही भगवान कृष्ण की भक्ति करना हम सीख रहे हैं. इतने महान व्यक्ति से हमारा संबंध जुड़ रहा है और ये भक्ति करने का प्रारंभ होता है भगवान के नाम के जप के द्वारा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके, सो नाउ आई गो बैक टू आवर स्लाइड्स. दिख रहा है सबको? तो ये देखिए, इंद्र का हंगर का जो रिस्पेक्ट था ये काम नहीं आया और इनके क्रोध में आए हुए शब्दों को भी सरस्वती देवी ने स्तुति में परिवर्तित कर दिया. अब ये क्रोध में तो इंद्र आए और उन्होंने आदेश दे दिया कि गोवर्धन पर्वत को उठा लो. लेकिन भगवान ने क्या किया? गोवर्धन को उठा लिया अपने हाथों में. तो गोवर्धन को भगवान ने उठाया, ये लीला भगवान के किस स्वरूप को दर्शा रही है? भगवान के दो स्वरूप को दर्शा रही है. वैसे तो बहुत सारे स्वरूप को दर्शा रही है, लेकिन जो दो मुख्य गुण भगवान के इसमें दिख रहे हैं, पहला गर्व भंजन. क्या है गर्व भंजन? गर्व भंजन का क्या मतलब होता है? भगवान घमंड को क्या कर देते हैं? चूर कर देते हैं. भगवान किसी के घमंड को ज्यादा समय तक टिकने नहीं देते हैं. हम लोग को समझना चाहिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब अपने घमंड के कारण हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो करनी नहीं चाहिए. घमंड का सबसे पहला लक्षण ये होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए किसने क्या किया है. जब कोई व्यक्ति घमंड में आता है तो भगवान गर्व भंजन करते हैं, गर्व का भंजन कर देते हैं. तो गोवर्धन लीला से सबसे पहला जो सिंबल हमको दिखता है कि भगवान ने इंद्र के गर्व को क्या किया? चूर चूर कर दिया. इंद्र को क्या लग रहा था? क्या लग रहा था इंद्र को? कि वो भगवान से बड़े हैं, कि मैं भगवान से बड़ा हूँ. अरे वो तो भगवान ही नहीं मान रहा था. वो क्या कर दूंगा? मैं डुबा दूंगा, पूरे ब्रश को डुबा दूंगा. भगवान ने बोला तुम क्या डुबाओगे ब्रश? सारा समय तक बादल खाली हो जाएगा लेकिन ब्रश डूबने वाला नहीं है. तो भगवान ने गोवर्धन उठाया और गोवर्धन के कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी पानी इतनी देर बरस रहा था तो पहाड़ी तो उठाया ना, पहाड़ से तो पानी नीचे गिरना चाहिए था, है ना? तो कहा पानी तो गिर डूब जाता. पानी तो बंद कराया नहीं भगवान ने, भगवान ने बस पहाड़ी तो उठाया, तो पानी कहाँ गया? तो पानी नीचे आके डुबोया क्यों नहीं ब्रश को? भगवान हमसे ज्यादा बुद्धिमान है. जितना हम बुद्धि लगा सकते हैं अपना गोवर्धन लीला में, उससे ज्यादा महान कौन है? कृष्णा है. तो कृष्णा ने क्या किया? जैसे गिरिराज को उठाया तो गिरिराज के ऊपर कौन आ गए? सुदर्शन आ गए. सुदर्शन अपने आप वहां प्रकट हो गए और जो भी बारिश हो रही थी सुदर्शन उसको क्या कर लिए? एब्जॉर्ब कर लेते थे और कोई पानी नीचे गिर ही नहीं पा रहा था, ज्यादा पानी नहीं गिर पा रहा था. तो देखिए ये भगवान है. तो भगवान ने सारा घमंड इंद्र का क्या कर दिया? चूर कर दिया. तो इसीलिए घमंड में नहीं आना चाहिए हमें कभी भी, हमेशा दीन अवस्था में ही रहना चाहिए. क्योंकि भगवान अच्छे अच्छों का घमंड क्या कर देते हैं? चूर कर देते हैं. तो हम किस खेत की बोली है? या गाजर है, या केला है, या जो भी है, है ना? तो हम तो किसी खेत की कुछ भी नहीं है. भगवान इंद्र के घमंड को भी नहीं छोड़ते हैं, जो कि इंद्र भगवान के इतने महान भक्त हैं. तो ना हम तो भक्त हैं, ना तो हम इंद्र हैं, ना तो हम इंद्र जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं. तो हमारे घमंड को चूर करने में समय ज्यादा नहीं लगेगा. ये पहला क्वालिटी हम स्मरण कर सकते हैं गोवर्धन लीला से. दूसरा क्वालिटी, दूसरा भगवान का नाम भक्त वत्सल. पहला क्या था? गर्व भंजन. सब नहीं बोल रहे, पहला क्या था? और दूसरा क्या है? भक्त वत्सल. कि भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए फिर से अपने वात्सल्य का प्रचार प्रसार, अपने वात्सल्य का विस्तार करके गोवर्धन को अपने ऊपर उठा लिया. और भगवान ने जब गिरिराज को उठाया तो गोवर्धन को गिरिराज भी बोलते हैं. गिरिराज मतलब गिरियों का, गिरी का राजा, पहाड़ों का राजा. तो जब गिरिराज जी को अपने छोटी उंगली में, बाएं हाथ की छोटी उंगली में उठाया तो सारे भक्त गोवर्धन के, सारे ब्रजवासी गोवर्धन के अंदर आ गए. तो अब हम देखेंगे कि कैसे गोवर्धन लीला का डीपर मीनिंग क्या है और गोवर्धन लीला कैसे वास्तविकता में भगवान को आनंद देने वाली लीला है. अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म विमोहन लीला का नाम सुने हैं? ब्रह्म विमोहन लीला जो किसी ने नहीं सुना है, क्योंकि भागवत में ही सुनते, भागवत में पढ़ते ही हैं. अच्छा, ये किसी ने कृष्णा सीरियल में थोड़ा वो देखा है? ब्रह्मा जी सुना है कुछ लोगों ने. क्या हुआ था आशीष को? क्या चीज देख के विमोहन हो गया था ब्रह्मा जी को? क्या देखा था उन्होंने? क्या
छी, दूसरे के मुंह का जूठा निकाल के अपने मुंह में डाल रहे। ये भगवान होंगे भला। हमने तो सुना था भगवान के बारे में, लक्ष्मी सहस्त्र सतसं ब्रह्म देवे मानव गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हमने तो सुना था कि वैकुंठ में हजारों हजारों लक्ष्मी भगवान की क्या करती हैं, सेवा। हम में से किसी ने किया आज तक? ये किसी के मुंह से निकाल खा लिया और किया? ये सोच के घिन आया। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या देखा? ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्णा अपने साथ के फ्रेंड्स के मुंह से निकाल के खा रहे हैं। इतना गंदा इतना गंदा, कैसे ये भगवान ही लड़का, ये भगवान ही लड़का ये ऐसे कर रहा है। तो ब्रह्मा जी देख करके क्या हो गए? मोहित हो गए। मोहित, हम लोग भी मोहित हो जाते हैं कभी देख के, है ना। हम कभी देखते हैं कि किसी व्यक्ति का कुछ ऐसा आचरण देख लें जो हमारे हमारे परसेप्शन के हिसाब से ठीक है, तो मोहित हो जाते हैं कि भला ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या हो गए? मोहित हो गए। तो मोहित हो गए तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा? ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो अभी मैं एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ अब ये कैसी लीला करूंगा जिसे तुरंत चेक हो जाएगा कि ये भगवान है कि नहीं है। और क्या किया ब्रह्मा जी ने? पता आप सबको, सब आप जानते हो भागवत। ब्रह्मा जी ने क्या किया? सारे ग्वाल बाल को गायब, एक मिनट में गायब कर दिए। और ब्रह्मा जी ऊपर के लोगों में सारे ग्वाल बाल को लेते गए। पता नहीं था किससे पंगा ले रहे हैं ना। और कृष्णा ने फिर क्या किया? हाँ, कृष्णा ने अपने आप को विस्तार कर लिया इतने सारे ग्वाल बाल गाय बछड़ों के रूप में। और ये ऐसे जितनी देर में वो गए और वापस आए उतनी देर में यहाँ भौतिक संसार में कितना समय बीत गया? एक साल बीत गया था। और एक साल तक भगवान कृष्ण किस रूप में थे पूरे ब्रज में? किस रूप में? ग्वाल बाल गाय बछड़ा। ऑफकोर्स इसकी एक अलग लीला है, ऐसा क्यों हुआ? ये एक लीला है, ठीक है। तो अब दूसरी लीला हम देख रहे हैं, कौन सी? गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में कुछ इससे ऑपोजिट हो गया। कौन बता सकता है इससे क्या हुआ, क्या ऑपोजिट हुआ इस लीला से? लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि गोवर्धन लीला में क्या ऐसा अनोखा चीज हो गया? ठीक है, देखो एक ब्रजवासियों की एक शिकायत थी। देखो सन्नाटा चल गया है, बारिश बंद, पंखा बंद, सन्नाटा। सुनिए, ध्यान से सुनिए। ब्रजवासियों की एक शिकायत रहती थी कृष्णा से हमेशा। सुनेंगे आप लोग क्या शिकायत रहती थी? सुनेंगे, बहुत सुंदर। अब हम लोग पास्ट टाइम्स में एंटर कर रहे हैं, स्वीट पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा ना। तो हमको दोनों सुनना चाहिए, सिद्धार्थ और लीला। अगर कोई सिर्फ भगवान की लीला सुनेगा तो वो क्या बन जाएगा पता है? क्या बन जाएगा पता है? सहजिया। बहुत बच्चे जानते ही नहीं सहजिया कौन है, अच्छा भी जाना भी होता ना। अगर कोई सिर्फ सिद्धांत सुनता रहेगा तो पता क्या बन जाएगा? तो क्या बन जाएगा? हाँ बोलिए बोलिए। कोई सिर्फ सिद्धांत सुन रहा है, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत, ज्ञानी, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई सिर्फ सिद्धांत सुनेगा तो ज्ञानी बन जाएगा, और सिर्फ सिर्फ लीला सुनेगा तो क्या बन जाएगा? तहजिया। तो क्या सुनना चाहिए? दोनों सुनना चाहिए। तो अब हम सुनेंगे भगवान की मधुर लीला, सुंदर लीला। तो ब्रजवासियों को कृष्णा से शिकायत थी। क्या शिकायत थी? कौन बता सकता है क्या शिकायत थी? कौन बता सकता है? हाँ हाँ, ये शिकायत आपको नहीं पता होगी शायद। तो देखो, गोपियां और गोप, ये दो लोग भगवान के मेन संगी थे ब्रज में। तो गोपियों को ये शिकायत थी भगवान से कि भैया हम दिन भर भगवान के दर्शन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? क्यों क्यों नहीं कर पाते? भगवान तो कहाँ चले जाते हैं? गोपों के साथ कहाँ चले जाते हैं? गौचरण लीला करने चले जाते हैं, गाय चराने के लिए। और गोपों को भी एक शिकायत थी कि हम भगवान के दर्शन कब नहीं कर पाते? कब नहीं कर पाते? रात में नहीं कर पाते ना, रात में भगवान कहाँ चले जाते हैं? या तो माता जी के पास चले जाते हैं, या तो यमुना के तट पे रास नृत्य करने के लिए चले जाते हैं। तो गोप बोलते थे कि भैया ये तो गड़बड़ है, हम तो रात में भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। और गोपियां क्या बोलती? हम दिन में दर्शन नहीं कर पाते। और ऐसे यशोदामा का भी था कि मैं भी दर्शन नहीं कर पाती, है ना। तो सबका कुछ ना कुछ शिकायत था कि मैं भगवान की पूरे समय दर्शन नहीं कर पाती या कर पाता। तो कृष्णा ने सोचा कि कुछ ऐसी लीला की जाए जिसमें सारे गोप और सारे गोपियां, सारे गाय, सारे बछड़े, सारे फूल पत्ते सब भगवान का नित्य दर्शन कर पाए। और तब भगवान ने सुंदर लीला का प्राकट्य किया जिसको क्या बोलते हैं? गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला महामहोत्सव के। तो ये एक्चुअली में अगर डीपर सेंस में देखें तो ये कोई
आपदा नहीं थी, ये महा महोत्सव होने वाला था ब्रज में, क्योंकि ब्रज में अब सारे ब्रज के वासी निरंतर एक टक पूरी रात और पूरे दिन किसका दर्शन करने वाले थे, देखिए तितली आ गई यहाँ पे मूड बनाने के लिए गोवर्धन का है। तो सारे लोग किसका दर्शन करने वाले थे, नित्य कृष्ण का। तो सात दिन और सात रातें उस पर्वत के नीचे कौन थे, कृष्ण, और कृष्ण को एक तक कौन देख पा रहे थे, सारे ब्रजवासी। तो वो गोपियां जो दिन में भगवान के दर्शन नहीं कर पाती थी, अब वो दिन में भी भगवान को देख पा रही हैं, और वो गोप जो भगवान के दर्शन रात को नहीं कर पाते थे, वो रात में भगवान को देख पा रहे हैं। और कृष्णा ने ऐसी सुंदर लीला करी कि उस गोवर्धन पर्वत के नीचे जितने भी ब्रजवासी खड़े थे उन सबको क्या लग रहा था कि कृष्णा किसको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पर्वत उठा के खड़ा होगा तो कि एक ही तरफ तो देख पाएगा ना, अभी मैं आपको तो देख पा रहा हूँ ना, पीछे कोई पीछे देख पा रहा हूँ ना, लेकिन कृष्णा के पीछे भी जो ब्रजवासी खड़े थे उनको भी क्या लग रहा था कि कृष्णा किसको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। और ऐसा आनंद गोवर्धन के पर्वत के नीचे, बाहर कड़ाकेदार बारिश और अंदर क्या हो रहा है, और रामन सागर का सीधा देखा है क्या, उसमें एक सॉन्ग है, तो उसमें सॉन्ग सुनेंगे आप लोग, क्या सॉन्ग है तो आपको सुनाएंगे वीडियो में, बहुत जबरदस्त सॉन्ग है रावण सागर के सीरियल्स में, कई सारे सॉन्ग बहुत सुंदर है, अफकोर्स वो कोई शास्त्रीय सॉन्ग नहीं है, लेकिन उसका भाव क्या है, भाव बहुत अच्छा है। तो उसमें एक सॉन्ग है, हमारा कान्हा गोवर्धन गिरधारी, सुनाएंगे रावण सागर, आपको सुनाएंगे अभी। तो उसमें सारे ब्रजवासी मिलकर क्या करना शुरू कर दिए, नृत्य करना शुरू कर दिए, अद्भुत नृत्य हो रहा है, सब एक तक भगवान को देख रहे हैं। तो अब देखिए इंद्र ने जो दुस्साहस दिखाया उसके कारण क्या हो गया कि सारे गोपियां गोप सारे ब्रजवासी एक साथ आ गए, किसके किसके एक साथ आ गए, कृष्ण के। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो किया उसके कारण क्या हुआ था, अलग हो गए कृष्ण, किससे अलग हो गए, अपने भक्तों से अलग हो गए। तो इसीलिए आचार्यगण ऐसा बताते हैं कि इंद्रदेव को कृष्ण ने जल्दी क्षमा कर दिया, क्योंकि इंद्रदेव ने जो लीला की उसके कारण भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ आ गए और भगवान को बहुत आनंद आया, और भगवान के भक्तों की इच्छा भी पूरी हो गई और कृष्ण की इच्छा भी पूरी हो गई, अपने भक्तों के साथ सात दिन और सात रात एक साथ लीला करने की इच्छा। तो इंद्रदेव को भगवान ने क्षमा कर दिया, बाद में हम देखेंगे, अफकोर्स इसका मतलब ये भी नहीं है कि ठीक है हम भी थोड़ा प्रयास करते हैं भगवान और भगवान के भक्तों को साथ लाने का, हम प्रयास करेंगे तो कुटाई हो जाएगी हमारी होने वाली ना, तो इसलिए हमको ये सब लीला सुन करके कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंद्रदेव के इस लीला से आचार्यगण ये सिद्धांत बताते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि फिर बाद में क्या हुआ, तो सात दिन बीत गया, सात रात बीत गई, देखिए बारिश थम गई ना, तो ऐसे ही जब सातवां दिन बीता तो बारिश वहां पे थम गई, क्योंकि सभ्यता के पास सारा पानी खत्म हो गया। जब सभ्यता इंद्र के पास जाकर के बोलते हैं कि ये कोई सामान्य बच्चा तो नहीं है, मेरा तो सारा पानी अभी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इंद्रदेव को समझ में आता है कि भैया हमसे तो क्या हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, गलती तो हो गई है बहुत बड़ी। अब देखिए या इस वाले पास टाइम से हम देख पाएंगे कि कैसे इंद्र हमसे अलग है। तो अभी तक तो किसी को लगेगा कि हाँ ये तो हमारे जैसे हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी घमंड में चूर हो जाते हैं कभी कभी, और इंद्र भी ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखोगे कि देवी देवता कैसे बद्ध जीवों से अलग होते हैं, और अगर बद्ध जीव इस चीज को करे तो वो भी उसके अंदर भी कैसे गुण आ जाएंगे, दैवी गुण आ जाएंगे। तो जैसे ही इंद्रदेव को समझ में आया कि मुझसे क्या हो गई है, बहुत भारी गलती हो गई है, तो तुरंत इंद्रदेव सोचे कि अब तो भैया क्या मांगना चाहिए, क्षमा। तो शास्त्रों में एक श्लोक है, अब मैं पीछे से बोलो, क्षमा वीरस्य भूषणम। सुना है श्लोक, किसने सुनाया पहले, सुना आपने, कौन बताएगा इसका मतलब, आपको बताइए शास्त्री जी बताएंगे, इसे एक और भी मीनिंग है, एक तो ये मीनिंग जो ये बता रहा है, हाँ तो क्षमा वीरों का भूषण है, मतलब गहना है, ये तो ठीक है, लाल रेड है, सही बात है, रेड लाल है, ये भी सही बात है, लेकिन इस शब्द का क्या मतलब है, एक तो ये मतलब बताया, क्या मतलब बताया, नहीं बताओ अपना मतलब, जो क्षमा है वो असली वीरता दिखाती है, मतलब मीनिंग क्या है इसका, तो ठीक है इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, संस्कृत में जो शब्द होता है ना वो बहुत सारे चीज पूरे नहीं बोलते हैं, उसको हमको एक्सपैंड करो, मैं बताता हूँ, दो मीनिंग है श्लोक का, एक मीनिंग क्या है, ये सही बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा और चीज ऐड होगा, क्षमा वीर से भूषणों का पहला मतलब होता है
जैसे इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया कि ये किसका किसका आभूषण है, वीरों का आभूषण है। लेकिन इसमें दो प्रकार की वीरता का वर्णन हो रहा है। पहली वीरता जो व्यक्ति क्षमा मांगता है उसको क्या बोला गया है, उसको वीर बोला गया है। कायरों के बस की बात क्षमा मांगना नहीं है, ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? क्षमा मांगा है किसी ने कभी? क्षमा मांगा है कितने लोगों ने मांगा है कभी? जेन्युइन वाला, गर्लफ्रेंड वाला सॉरी नहीं पूछ रहा हूँ, जेन्युइन वाला है मांगा है। तो आपको क्या लगता है, कोई अपना बताएगा इमोशन क्षमा मांगने के समय क्या क्या होता है? आकाश को बताया, आकाश बहुत सर ये बताएंगे, आकाश को बताइए। जब हम क्षमा मांगते हैं किसी से बहुत करीज मतलब बहुत साहस गैदर करना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा क्या गैदर करना पड़ता है, क्यों झुके हम, है ना? मजाल क्या है बद्ध जीव की जो झुक जाए, अवस्था में जीव है ना। और दूसरा श्लोक का मतलब क्या है, क्षमा विनय भूषण का, क्षमा कर देना भी किसका लक्षण है, वीरों का लक्षण है, वीरों का। ये दो तात्पर्य श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है क्षमा विनय भूषणम, कि कायर लोग के बस की बात नहीं है क्षमा मांगना, और कायर लोग के बस की बात नहीं है क्षमा कर देना। तो दोनों में ही वीरता का प्रस्तुतिकरण होता है। तो हमें वीर बनना चाहिए, क्षमा मांग भी लेना चाहिए और क्षमा कर भी लेना चाहिए, ये वास्तविक वीरता है। कई बार दोनों में से एक केस दिखता है, कई बार क्षमा मांगने वाला तो वीरता दिखाता है लेकिन क्षमा देने वाले अपने अपनी कायरता दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, वो करते ही नहीं क्षमा, करते ही नहीं क्षमा, तो ये कायर है वो लोग। और कई बार उल्टा भी दिखता है, वो तो बार बार क्षमा करने को तैयार है लेकिन जिसने गलती की वही इतना कायर है, या दूसरे शब्द में बोले स्तब्धम, इतना स्तब्ध है कि क्षमा मांगने के लिए तैयारी नहीं है। लेकिन आप देखोगे ह्यूमनली इमोशन आप देखोगे क्षमा में बहुत शक्ति होती है, अगर क्षमा में शक्ति नहीं होती तो ये श्लोक ही नहीं होता है कि नहीं? कोई वेदों के श्लोक फालतू थोड़ी होते हैं, अगर क्षमा में शक्ति नहीं होती तो ये श्लोक नहीं होता, क्षमा विरस्य भूषणम। तो हमें अपने जीवन में समझना चाहिए कि बद्ध अवस्था में वो स्थिति तो जल्दी नहीं आने वाली जब हमसे कोई गलती हो ही ना, आएगी वो स्थिति नहीं आएगी, आएगी नहीं वो स्थिति। लेकिन कम से कम एक स्थिति हम अपने जीवन में ला सकते हैं, कौन सी स्थिति, कि गलती होने पे क्षमा मांग लिया जाए। तो आप देखिए इंद्र ने क्या किया, इंद्र को जैसे ही आभास हुआ इंद्रदेव को, वो सोचे कि अब मैं क्या करूंगा, क्षमा मांगूंगा। लेकिन इंद्र ने इतनी भारी गलती करी थी कि इंद्र को कपकपी लग रही थी कृष्ण के सामने जाने के लिए, क्योंकि इंद्र ने किसका प्रयास किया, ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया। तो इंद्र अपनी बुद्धि से समझ पा रहे थे कि मैंने तो जोग बैर याद है आप लोगों को, जोग बैर कितने लोगों को याद है, जोग बैर जोग बैर कितने लोगों को याद है, JOKEBAD जोग बैर, पूरा फुल फॉर्म नहीं याद है लेकिन जोग बैर था क्या ये तो कम से कम याद हो, चलो कुछ लोग को याद है। तो जोग बैर में के क्या था, किलिंग हंती, मारी मारी डाले भैया, ये तो पकड़ के काटी डाले वैष्णव को। तो इंद्रदेव ने तो वो प्रयास किया कि ब्रजवासियों को मार डालूंगा मैं, इतना क्रोध आया। तो इंद्रदेव को इतना डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा कृष्ण के सामने। तो इंद्रदेव सोचे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। किसके हितकारी है कृष्ण, गो ब्राह्मण्य हिताय च, गाय के हित करने वाले। तो इंद्रदेव ने बोला कि काम करता हूँ, गाय को अपने साथ लेके जाता हूँ, तो भगवान जैसे ही गाय को देखेंगे क्या हो जाएंगे, प्रसन्न। ये भी है, देखो आप देखो इंद्रदेव कितने एक्सपर्ट हैं, इंद्रदेव को क्षमा मांगने की कला भी आती है। देखो ये देवी देवता है, एक तो क्षमा मांग रहे हैं वो अपने में मानता है, लेकिन क्षमा कैसे मांगना है ये भी कला उनको पता है। जैसे देखो आपको व्यक्ति नाराज हो जाए और उसका फेवरेट चीज उसके पास देखे से हो जाएगा, थोड़ा तो ठंडा हो जाएगा नहीं। तुम्हारा भी कोई व्यक्ति तुम गर्म रस मलाई, उसका रस मलाई एकदम फेवरेट है, तो रस मलाई लेके आओ चले जाओ। अच्छा कोई बता सकता है इससे रिलेटेड एक और लीला, अभी हम सब ने देखी थोड़े दिन पहले जुलाई के महीने में, इसी से संबंधित एक शास्त्र की लीला जहां पे किसी के गुस्से को ठंडा करने के लिए गर्म गुलाब जामुन, मैं सत्य ही बोलूंगा, कौन बताएगा, जो बता देगा ना उसको पक्का मैं आज दूध दूंगा, पक्का। ऐसे मैं बहुत बार बोलता हूँ ये, लेकिन आज मैं कहीं दूंगा। लीला कौन सी है जहां पे एक बार और हमने चातुराई देखी कि किसी को अगर क्षमा मांगना है तो कैसे क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ बोल बोल सुन, नहीं इंद्रदेव नहीं है उस लीला में, इंद्रदेव नहीं है लीला में, गुलाब जामुन बताती है, समझ आना चाहिए, रसगुल्ला
रणदीपपुर जगन्नाथ जी जगन्नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी की रणदीपपुर को पक्का आदमी बोलता है। अब यार अब समझ आया, अब याद आया कितने लोगों को पता चला, बहुत दुर्गा से लगा। जगन्नाथ जी जब श्री मंदिर वापस जाते हैं कहाँ से, गुंडीचा मंदिर से, अभी थोड़ा जिसको लीला पता अभी समझ पाएगा, तो लक्ष्मी देवी नाराज हो जाती है। क्या कह के गए थे जगन्नाथ, क्या कह के गए थे कि थोड़े दिन में आ जाऊंगा, और 7 दिन बीत गया अभी तक वापस नहीं आए। तो जब वापस आते हैं तो लक्ष्मी देवी को गुस्सा आता है और दरवाजा क्या कर देती है श्री मंदिर का, बंद, घुसने नहीं दूंगी अपने श्री मंदिर में। देखो उस मंदिर का नाम ही क्या है, श्री मंदिर, लक्ष्मी देवी का मंदिर है। तो जगन्नाथ क्या करते हैं फिर, तो जगन्नाथ एकदम गरम गुलाब जामुन किसके लिए लेके आते हैं, लक्ष्मी देवी के लिए। और जब लक्ष्मी देवी के सामने गुलाब जामुन, और ये अभी भी होता है वहां पे, इसको इसको अनुमोदित किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो वहां पे क्या करते हैं, अभी भी जब जगन्नाथ जी का रथ वापस आता है, बहुत सुंदर लीला है, जब जगन्नाथ जी का रथ वापस आता है तो लक्ष्मी देवी, तो अब जगन्नाथ तो कोई नहीं है ना आपने से, तो जगन्नाथ पुरी का जो मेन गेट है उसमें आप देखोगे बहुत ऊंचा गेट है, ऊपर कई सारे बालकनी है, छोटी छोटी खिड़की बालकनी बनी है। तो क्या होता है जब जगन्नाथ जी का रथ आता है शिव मंदिर के बाहर, तो लक्ष्मी देवी के जो पंडे होते हैं पीछे, लक्ष्मी देवी का मंदिर होता है जगन्नाथ जी के मंदिर के पहले, महालक्ष्मी का मंदिर, तो महालक्ष्मी के विग्रह को, उत्सव विग्रह को लेके आते हैं ऊपर छत पे, कहां छत पे, जगन्नाथ मंदिर के मेन गेट के छत पे, और लक्ष्मी देवी वहां झांक रही होती है, अभी आने घूमो घूम लिया बाहर ही रहो अंदर नहीं आना वाला है। तो बाहर जगन्नाथ जी वेट कर रहे होते हैं, जगन्नाथ जी प्रार्थना कर रहे होते हैं, जगन्नाथ जी के पंडे प्रार्थना कर रहे होते हैं कि महादेवी आप द्वार खोलिए तो जगन्नाथ अंदर आएंगे, लक्ष्मी देवी खोलती नहीं दरवाजा, मतलब लक्ष्मी देवी के पंडे खोलते नहीं है। तो फिर लोग थोड़ी देर के बाद क्या करते हैं, जगन्नाथ के पंडे गरम गुलाब जामुन ले आते हैं और गुलाब जामुन ट्रांसफर करवाते हैं किसको, लक्ष्मी देवी के जो पंडे हैं, लक्ष्मी देवी के पंडे लक्ष्मी देवी को भोग लगाते हैं। तब जब लक्ष्मी देवी तृप्त हो जाती है गुलाब जामुन पाके, और भी देते हैं, और क्या देते हैं पता आपको, और कौन बताएगा, गुलाब जामुन एक है और भी कुछ देते हैं जगन्नाथ जी, कौन बताएगा, चलो फिर दूसरा भी गिफ्ट दूंगा जिसने बता दिया, रसमलाई नहीं गुलाब जामुन हो गया भैया, बस इतनी हमारे तरह नहीं लक्ष्मी देवी, गुलाब जामुन भी चाहिए रसमलाई चाहिए, गुलाब का फूल है, गुलाब खिसा बिटा फूल कमल का फूल चलता है कुछ ना कुछ, कौन और लास्ट लास्ट ऑप्शन, हाँ छेने वाला रसगुल्ला, छेना हो गया भैया गुलाब जामुन का सब, तो और हो गया की, अरे खाने से बाहर निकल जाएंगे, बाहर आइए खाने से बाहर, गुलाब जामुन से बाहर आइए, कपड़े आभूषण वस्त्र, हाँ आभूषण और वस्त्र देते हैं भगवान, सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र देते हैं। तो आशीष प्रो और रणदीप प्रो को भी हम देंगे वादे के अनुसार गिफ्ट। तो जगन्नाथ जी सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र देते हैं लक्ष्मी देवी को, फिर फाइनली शिव मंदिर का दरवाजा खुल जाता है, श्री जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ जी फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तो आप देखोगे कि क्षमा मांगने की भी कला होती है, जो हम देख रहे हैं शास्त्रों में कि क्षमा कैसे मांगना चाहिए। तो इंद्रदेव क्या करते हैं, सुरभि के पास जाते हैं और सुरभि देवी को प्रार्थना करते हैं कि सुरभि देवी आप मेरे साथ कृष्ण के पास चलिए, और फिर सुरभि के साथ इंद्र, तो अभी अब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो हम बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे, तो किसी को देर तो नहीं हो रहा है पक्का, तो आपको बारिश पहले छोड़ देंगे, जल्दी छोड़ देंगे, आज कम प्रसाद खिलाएंगे आपको, ठीक है चलेगा, ठीक है जी, वाला प्रसाद खा लो, आज खाइए गुलाब जामुन खा लिया आपने, अभी तो उतना और खिलाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, भगवान कृष्ण एक बार वो गोवर्धन के पास में एक स्थान पे बैठे हुए थे और वहां पे इंद्रदेव किसको लेकर भी पहुंचे, सुरभि गाय को लेकर भी पहुंचे, और सुरभि गाय को आगे रखे, आगे खुद नहीं थे, आगे किसको रखे, सुरभि को, ताकि पहले कृष्ण किसको देख लें। आपको पता है एक मंदिर है दक्षिण भारत में, अगर मुझे ठीक याद है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, तो पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में जब सूर्य भगवान का मंगल दर्शन होता है तो सबसे पहले जब भगवान उठते हैं तो किसका दर्शन कराया जाता है भगवान को, पता है हाथी का, हाथी को लेके जाते हैं, सुंदर हाथी को लेके जाते हैं और हाथी के ऊपर सुंदर चिन्ह बना होता है वैष्णव चिन्ह, और हाथी का पूरा शरीर सजा होता है और हाथी का दर्शन करते हैं भगवान उस मंदिर में, अगर मुझे उस मंदिर का नाम ठीक ठीक याद है तो, पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। तो ऐसे ही भगवान, और आपको पता है जब भगवान कृष्ण छोटे थे और भगवान कृष्ण बहुत सारे राक्षसों को मारते थे तो यशोदा माई क्या करती थी, पता है आपको, कोई बता सकता है कैसे नजर उतार देती थी यशोदा कृष्ण का, गाय की पूंछ से, गाय का पूंछ देती थी और कृष्ण के सर पे ऐसे गोला गोला घुमाती थी। ये गाय का महत्व है भगवान कृष्ण की लीलाओं में, इतनी सुंदर भगवान की लीला है, और वही गाय का अभी क्या स्थिति हो गया है कि लंपी वायरस से हजारों हजारे गाय अपना शरीर छोड़ रही है और बॉलीवुड वाले
अपने अपने क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, मीडिया को सुध भी नहीं है कि एक टीवी का शो भी आ जाए गाय के ऊपर। ये कुत्ता मर जाएगा किसी बॉलीवुड घर का, किसी बॉलीवुड के घर का कुत्ता मर जाए तो देखिए सारे बॉलीवुड सारे न्यूज चैनल 10 दिन तक उस कुत्ते के ऊपर टीवी शो आएगा, नहीं आएगा, आएगा किसी बॉलीवुड के घर का कुत्ता मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण की इतनी प्रिय गाय माता हर दिन मर रही है लेकिन किसी को कोई सुध नहीं है। तो भगवान कृष्ण जब सुरभि गाय को देखे और इंद्र सुरभि गाय को देखकर भगवान शांत हो गए और फिर इंद्र क्षमा मांगते हैं भगवान से और इंद्र क्या करते हैं भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं, सुंदर अभिषेक दूध से, सुरभि जो दूध देती है उस दूध से और सुंदर गव्य सुंदर जलों से स्मेल्ड है ना अडल्ड वाटर से भगवान का अभिषेक करते हैं इंद्रदेव और इस प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और तब भगवान को एक नाम मिलता है, कौन सा नाम मिलता है कौन बता सकता है, भगवान को एक सुंदर नाम मिलता है जो हमेशा हम कीर्तन में गाते हैं, भगवान का नाम गोविंद, गोविंद नाम मिलता है भगवान को। गोविंद का क्या मतलब होता है, गो का दो मीनिंग होता है मुख्य, पहला मीनिंग क्या होता है इंद्रिया और दूसरा मीनिंग गाय। तो गोविंद मतलब होता है जो गाय को और इंद्रियों को क्या प्रदान करते हैं आनंद प्रदान करते हैं उनको बोलते हैं गोविंद। तो भगवान को ये नाम तुलसी लीला के बाद दिया गया जिसको बोलते हैं गोविंद। और जिस स्थान पे लीला हुई जहां पे इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया तो जो अभिषेक से भगवान का चरणामृत था वो एक कुंड में एकत्रित हो गया और उस कुंड का नाम क्या पड़ा गोविंद कुंड। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हम सब लोग उस गोविंद कुंड का दर्शन करने के लिए जाएंगे, हरि श्री श्री गोविंद कुंड की। वही कुंड होगा जहाँ पे भगवान के शरीर दिव्य शरीर को स्पर्श किया हुआ जल उस कुंड में एकत्रित हो गया। तो वृंदावन तो आप सब लोग गए हैं, वृंदावन तो हम मंदिर बहुत देखते हैं लेकिन गोवर्धन के आसपास जो भी लीला स्थली पे हम जाएंगे वो मुख्यतः कुंड होंगे। वो अभी मैं आपको बहुत सारे कुंड के दर्शन कराऊंगा आज भी, गोविंद कुंड, उद्धव कुंड, मानसी गंगा, ये कुसुम सरोवर, ये सारे कुंड है। गोवर्धन के आसपास बहुत सारे सरोवर है लेकिन हर कुंड हर सरोवर की एक अद्भुत घटना है, अद्भुत लीला है जो एक आपने अभी सुनी। अच्छा एक और चलिए एक सुंदर एक और हम मधुर लीला देखेंगे जो गोवर्धन से ही संबंधित है। ये क्या है फोटो, फोटो में क्या हो रहा है, कौन कौन किसको पिला रहा है, यशोदा कृष्ण को गोदी में बिठा के खाना पिला रही है। मतलब आप समझिए कि वैदिक सभ्यता सनातन धर्म में जो भगवान की परिभाषा है कितनी विचित्र है ये कि भगवान जिनके भौहें उठा लेने से अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए उनको यशोदा माँ अपनी गोदी में बिठा के अपने हाथ से क्या कर रही है। हाँ तो कल से क्या शुरू हो रहा है, सबसे सुंदर मंथ शुरू हो रहा है, कौन सा मंथ दामोदर मास। कितने लोग पहली बार अटेंड करोगे कार्तिक मास का फेस्टिवल, बहुत लोग पहली बार अटेंड करेंगे। तो इस मास में हम लोग एक गीत गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम रसद कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदा भियोलोकनाधव माहम परम दृष्टव्रत्यंत तो द्रुते गोप्या। कल से लेकर के 30 दिन तक, अच्छा चलो अभी मुझे अच्छा आ रहा है, तो हम लोग ने एक कॉन्टेस्ट निकाला है, सुनना चाहेंगे आप लोग, ऑनलाइन जो लोग हैं वो भी सुन लीजिए, इसका मैसेज बना के भी डाल देंगे हम ग्रुप में। एक कॉन्टेस्ट कंडक्ट होने वाला है स्कॉन यूथ फोरम रुद्रपुर के द्वारा। तो हमें पता है कि आईएफ के भक्त लोग अब कॉन्टेस्ट जीतने में बहुत माहिर हो गए हैं, तो देखते हैं कि ये कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा। ये एक महीने का कॉन्टेस्ट है, सुनना चाहेंगे आप लोग क्या कॉन्टेस्ट है, तो ध्यान से सुनिए, हो सकता है आप में से कोई विनर हो जाए। तो ये कार्तिक मास कॉन्टेस्ट है, क्या है कार्तिक मास कॉन्टेस्ट, कोई गेस कर सकता है कॉन्टेस्ट क्या होगा, कौंडिल्य आएगा दीपदान करेगा, थोड़ा हाई लेवल बता दिया मैंने। और बताइए कार्तिक मास कॉन्टेस्ट KMC सुनिए क्या है। तो कार्तिक मास कॉन्टेस्ट ये आशीष को बताइए, दामोदर अष्टकम याद करके सुना देगा, ठीक है चलो अच्छा आप लोग मुझे हिंट दे रहे हो कॉन्टेस्ट या उसमें ऐड कर देना है। और बताइए क्या होगा ये कॉन्टेस्ट, सही में कॉन्टेस्ट होगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं मैं कॉन्टेस्ट। हाँ विशाल को कार्तिक मास में जो लीला है उसके बारे में बताएगा, ये तो सिंपल वाला हो गया, चलो मैं बताता हूँ। तो कार्तिक मास कॉन्टेस्ट होने वाला है स्कॉन यूथ फोरम रुद्रपुर के द्वारा और ये कॉन्टेस्ट ये है कि जो भी तीन भक्त, कितने तीन भक्त, फर्स्ट सेकंड और थर्ड,
पूरे कार्तिक मास में सबसे ज्यादा बार मंदिर आएंगे और शाम को दीपदान करेंगे उनको, मैं अभी से ग्रुप बता दे रहा हूँ क्या मिलेगा, जो फर्स्ट डिवोटी होगा, क्या है कॉन्टेक्ट सुना आपने, सबसे एक अटेंडेंस रजिस्टर हम रखेंगे और उस अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस लगानी होगी जो भी भक्त आएगा, तो वो डिवोटी जो हर दिन, ये जितने भी बार आएगा, हर दिन हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम शाम को आकर के दामोदर अष्टकम में भाग लेकर के दीप दान करेगा वो पहले विनर को मिलेगा, क्या मिलेगा, श्री प्रभुपाद लीलामृत की, तो प्रभुपाद लीलामृत मिलेगी फर्स्ट डिवोटी को, डैप शो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये और चेंज नहीं होगा, लिखने भक्त कुछ चाहे तो। और इसी तरीके से जो सेकंड नंबर का डिवोटी होगा जो मैक्सिमम आएगा उसको क्या देंगे हम, उसको क्या देंगे और थर्ड नंबर को क्या देंगे वो अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन पहले का हमने बता दिया। तो अब आप खुला चैलेंज, खुला कॉन्टेस्ट कि मैक्सिमम टाइम दामोदर मास में शाम को दीपदान करने के लिए इस्कॉन A7 ग्रीन पार्क के मंदिर में आना है, चाहे वो आज तक कभी किसी शनिवार प्रोग्राम में ना आया हो, लेकिन अगर वो कार्तिक मास में मैक्सिमम टाइम आएगा तो उसको ये गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। और आप देखोगे कार्तिक मास में शाम को जो दीपदान का फेस्टिवल होता है मेस्मराइजिंग, आप में से मेरे को लगता है किसी को भी दामोदर आश्रम का मीनिंग तो नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता ना, सुना है कितने लोगों ने सुना है, पहले अच्छा लगा कि नहीं सुनने पे, क्यों भाई समझ तो कुछ आया नहीं, ऐसी कुछ भी मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे एक गाना आया था तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, क्या है क्यों भाई, हाँ मगर जो भी है भगवान की लीला ऐसे ही नहीं, दामोदर आश्रम सुनना, दामोदर आश्रम के बारे में बोलना अच्छा लगता है, क्या है क्यों है जो भी है अच्छा लगता है, हमें तो मेरा तो ऐसी एक्सपीरियंस था, दामोदर आश्रम जब बसता है तो इतना सुंदर लगता है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, इस पूरे दामोदर आश्रम में क्या बोल रहे हैं पता आपको, इस पूरे दामोदर आश्रम में भगवान कृष्ण इतने मधुर हैं इसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें एक लाइन आता है मुहु श्वास कंपात्री रेखांक कंठा, इसका मतलब है कि भगवान जब यशोदा माई के पीछे भागने लगी डंडा लेके तो भगवान क्या करने लगे, हिचकियां रहने लगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे इतना रोने लगे, इतना डर गए कि पिटू मारना है, और इतना डर गए त्रिरेखांक कंठा, कंठ पे क्या आ गया, रेखाएं आ गई, रेखाएं त्रिरेखा, इतना डर गए, जैसे बहुत सारी लीला कार्तिक में हम खूब चर्चा करेंगे दामोदर, लेकिन कल पहला दिन है तो मैं एटलीस्ट जितने लोग यहाँ पे भी बैठे हैं ना इतने तो जरूर आइएगा कल भगवान को दीप दिखाने के लिए, तो पूरे विश्व में जितने भी इस्कॉन के मंदिर और केंद्र हैं हर इस्कॉन मंदिर में पूरे महीने शाम को क्या दिखाया जाता है, भगवान दामोदर को दीप दिखाया जाता है, दामोदर के बारे में और चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप सब आओगे, कल आओगे आप सब पक्का, तो भगवान को आएंगे और सुंदर दामोदर अष्टकम हम गाएंगे यहाँ पे और भगवान को क्या दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। तो अब ये फोटो हम देख रहे हैं जैसे भगवान की अनंत लीलाएं हैं, एक लीला हम अभी चर्चा करेंगे गोवर्धन से, तो हमने एक लीला चर्चा कर ली, कौन सी लीला चर्चा कर ली, गोपियों की लीला चर्चा कर ली, इंद्रदेव की लीला चर्चा कर ली, गोविंद को चर्चा कर लिया, अब ये अनोखी लीला है जो आप में से निश्चय ही मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, निश्चय ही। अच्छा 56 भोग के बारे में पता है सबको, 56 भोग क्या होता है, 56 भोग भगवान को 56 भोग लगाया जाता है, ठीक है, वैसे और ज्यादा भी भोग लगाया जाता है, 108 1008 ये सब भोग भी लगाया जाता है, तो ये 56 भोग का कॉन्सेप्ट कहां से आया, अभी बोलना नहीं है, 56 भोग का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इतना ज्यादा ये प्रेविलेंट कॉन्सेप्ट है 56 भोग का, तो कौन बताएगा, इसको जानते कार्तिकेय को बताएंगे, तो कार्तिकेय को बताइए कि 56 भोग का कॉन्सेप्ट कैसे आया, हरी बोल, कार्तिकेय में लोगों को 56 भोग का कॉन्सेप्ट पता है, तो यशोदा माँ एक दिन में कृष्ण को कितनी बार खाना खिलाती थी, 8 बार, तो कुछ तो सोचो वाह मौज तो कुछ कृष्णा की है, क्या बात 8 बार, हमको तो 4 बार ठूसने को नहीं मिलता, भगवान कितने बार खा रहे हैं, 8 बार खा रहे हैं, भगवान भगवान है, आप भगवान नहीं बन पाओगे, लेकिन भाई एक चीज है आप गोलोक जाओगे तो आपको प्रसाद तो मिल ही जाएगा, तो इसीलिए कहाँ जाना में भलाई है, गोलोक जाने में भलाई, देखो 8 बार खान आपको भोग तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 8 बार भोग लगेगा तो फिर प्रसाद बचेगा ना, फिर तो प्रसाद कौन खाएगा, तो बस आप खाओगे, तो इसीलिए कहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे, कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए, देखो आपको प्रसाद खाना है
तो यहाँ का प्रसाद क्या करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ का प्रसाद पा सकते हैं लेकिन यहाँ का भोग छोड़ना पड़ेगा, तब वहां का क्या मिलेगा? प्रसाद। तो यशोदा माँ एक दिन में कृष्णा को 8 बार भोग लगाती है। तो जब कृष्णा गोवर्धन के नीचे आए और अपने हाथों में क्या उठा लिए? गोवर्धन पर्वत। अब कैसे खाना खिलाए? अब चूल्हा तो लेके आई नहीं थी यशोदा माँ, चूल्हा लेके आई थी क्या? नहीं, चूल्हा चलो सब पूरा बोलिया बिस्तर चूल्हा उठा के, आज के लोग इतना नहीं थे कि जहां जाओ पूरा बोली बिस्तर उठा के सब भागे तुरंत, वो गैस वैसा सब वहीं छोड़ दी चूल्हा वगैरह। तो भैया कृष्णा को भोग कैसे लगाए? कृष्णा को भोग लगाना था, कृष्णा को 8 बार खिलाना था, कृष्णा को इतनी भूख लगती बार बार। एक्चुअली कृष्णा को 8 बार इससे खिलाती थी, भगवान को बहुत भूख लगती थी। तो जब भगवान बलराम जी के साथ जाते थे ना, जब बलराम जी लेके जाते थे कृष्णा को गांव चलाने के लिए, तो यशोदा भाई बलराम को बोलती थी, देखो बलराम मैं तुमको कलेवा बांध के दे रही हूँ, कृष्णा को ना बहुत भूख लगती है, तो तुम हर कितनी देर में थोड़े थोड़े घंटे में क्या करना, तो खिला देना इसको, तो बहुत भूख लगती है। जब कृष्णा गाय चलाना शुरू किए गोपाष्टमी के दिन से, तो यशोदा माँ खूब सारा प्रसाद बांध के देती थी और बोलती थी, देखो उसको बहुत भूख लगती है तो बार बार खिलाना। तो पूरे संसार की भूख मिटाने वाले को क्या लगती है? वह भूख लगती है, सही में लगती है, सही में लगती है। जब भगवान अपनी पुत्र लीला करते हैं यशोदा माँ को तृप्त करने के लिए, तो जब गोवर्धन लीला समाप्त हुई तो यशोदा माँ ने सोचा, मेरा लल्ला बेचारा कितना भूखा होगा, 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, नहीं खाया नहीं ना 7 दिन से, तो अभी मैं क्या करूंगी, 7 दिन का कोटा एक बार निपटाऊंगी। और यशोदा माँ ने फिर क्या बनाया? 56 भोग बनाए और 56 भोग लगा करके कृष्णा को एक बार में। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे हमारी माँ भी ऐसी हो जाती, कुछ तो सीखना चाहिए यशोदा माँ से, मम्मी को जाके बोले कुछ सीखो यशोदा माँ, कुछ सीखो, वो 56 लगा रही, तुम 10 लगा दो कम से कम, 56 नहीं दो हम कृष्णा नहीं है जो हमको 10 भोग लगेगा। यशोदा माँ ने क्या किया, 56 भोग बनाए और एक बार कृष्णा को भोग लगा दिया, और वहां से 56 भोगा का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जो कितना प्रेविलेंट है भारत में भगवान कृष्ण के मंदिर में। इसलिए आप देखो दुर्गा देवी को 56 भोग लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, है? दुर्गा देवी को भी भोग लगाते हैं विदुरों ज्यादा, लेकिन 56 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ है? कृष्ण के साथ है। तो मैं पहले सोचता था कि 56 भोग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये 56 ही क्यों, 55 क्यों नहीं, 108 क्यों नहीं। फिर मेरे को पता लगा, ओहो 56 भोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि कृष्णा 7 दिन तक क्या कर रहे थे, कुछ खाए नहीं थे। तो कृष्णा जब बाहर आए तो यशोदा माँ ने एक साथ 56 आइटम लगा के भोग लगा दिया। अच्छा आप लोग को लग रहा होगा काश हमको 56 भोग मिल जाता कितना मजा आया ना। चलो मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार मैं मायापुर में था, मायापुर नहीं गया आपने से कोई, चलो आपको रियल बता रहा हूँ, रियल है ना। तो एक बार क्या हुआ, तो जब मैं मायापुर में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय कोविड चल रहा था, कोविड पीक पे था अपने उस समय, पीक पे मतलब ऐसा वाला कोविड चल रहा था कि अंदर वाले बाहर नहीं और बाहर वाले अंदर नहीं, वैसा। जुलाई का महीने था, जुलाई का महीना है, जुलाई में चल रहा था, मार्च से शुरू हुआ था, 2020 मार्च में स्टार्ट हुआ था कोविड, उसके बाद जुलाई वगैरह में तो एकदम चलन था। तो जुलाई में एक फेस्टिवल आया रथ यात्रा, ठीक है, रथ यात्रा फेस्टिवल आया। तो रथ यात्रा फेस्टिवल में, तो अगर आपको थोड़े स्कॉन के कल्चर से मतलब फेमिलियर हो, जो लोग फोटोज वगैरह थोड़ा देखते हो गए, तो आप देखियोगे स्कॉन में ऐसे भोग बनते हैं जैसे मतलब ऐसे धुआंधार, जैसे घड़े के घड़े भोग बन रहे हैं, मिट्टी के घड़े के घड़े भोग बन रहे हैं। अब रथ यात्रा आई तो रथ यात्रा बाहर का सेलिब्रेशन तो कैंसिल हो गया क्योंकि कोविड था, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि अंदर अंदर ही सेलिब्रेट किया जाएगा, मतलब मायापुर अकेडमी के अंदर ही रथ यात्रा सेलिब्रेट किया जाएगा, जो स्टूडेंट लोग हैं वही सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे अकेडमी में एक पुजारी थे, उनका नाम था अच्युत गोपाल, तो जबरदस्त डिवोटी थे, मतलब मैंने अपने जीवन में जितने भक्तों के दर्शन किए हैं उसमें से उनको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, अभी तो पता नहीं कहाँ है, नेपाल में शायद, अच्युत गोपाल थे। तो बहुत सेवा करते थे वो विग्रहों की, बहुत सेवा करते थे। तो ये डिसाइड हुआ कि रथ यात्रा सेलिब्रेट किया जाएगा, कि बाहर से किसी को भी बुलाएंगे, अंदर सेलिब्रेशन होगा। तो अगर ठीक है, तो क्योंकि वो इतनी ज्यादा सेवा करते थे तो उन्होंने बोला कि मैं तो देखो जगन्नाथ के लिए भोग बनाऊंगा। तो सबने बोला भैया जगन्नाथ के लिए भोग कहाँ से बनाओगे, कोई हलवाई नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, और कोई ऐसा ग्रैंड फेस्टिवल भी नहीं हो रहा है, क्या करना है भोग बना के। मैं नहीं 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 मैं तो बनाऊंगा भोग। तो बोले भैया मानने वाला तो है नहीं, तो अब बनाओ आपको जो बनाना है। तो रथ यात्रा वगैरह सेलिब्रेशन पूरा हुआ, और रथ यात्रा तो सिर्फ स्टूडेंट थे, तो मैं हॉस्टल में था, मैं कॉलेज के हॉस्टल में था, तो वहां पे सिर्फ स्टूडेंट लोग थे। तो ये हुआ कि दूसरे, तो जब गुंडीचा बहुधा यात्रा मतलब जब रथ यात्रा रिटर्न होता है, तो बहुधा यात्रा के बाद अनाउंस हुआ कि कल फीस्ट होगा, फीस्ट। तो हमें लगा कि वही फीस्ट होगा वही होगा, तो फीस्ट में वहां पे आप बंगाल में जाओगे, तो बंगाल में मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बंगालीज, तो बंगाल में फीस्ट होगा। अच्छा फीस्ट में क्या बना है? परवल, और परवल के साथ पनीर मिला है।
जब मैंने पहली बार पर्वत पनीर देखा मुझे गया तो पर्वत ही बना देते हैं, पनीर ही बना देते हैं, ये क्या है पर्वत में पनीर और तो महाफीस्ट। और पर्वत को क्या बोलते हैं बंगला में? देखो पटल, पटल बोलते हैं पटल। तो फीस्ट है आज, आज क्या होना है पटल, पागल हो गए पटल, प्लेट लेके दौड़ रहे। मेरे को क्या है भैया ये पटल में कौन सा फीस्ट है? तो आगा था ये तो मैंने सोचा कि फीस है वही पटल बनेगा और क्या वही फीस्ट होगा। लेकिन जब हम मैच में गए तो हमने क्या देखा कि अरे तो भोग लगा है जगन्नाथ जी को, तो घड़े के घड़े, घड़े के घड़े भोग लग रहे हैं जगन्नाथ को, एकदम वैसा वाला फीस्ट हो रहा है जैसे स्कॉन मंदिर में देखा था। अच्छा भोग लग गया, भोग लगने के बाद क्या हुआ तो अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट सुनिए ध्यान से क्या हुआ। तो अनाउंसमेंट हुआ कि देखिए कोविड की वजह से कोई भक्त बाहर से तो आ नहीं पा रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे ये जो भोग जगन्नाथ को लगा है 108 वो हम टेबल पे रख देंगे और टोटल मिला के 15-20 लोग थे। जिसको जो चाहिए पूरा घड़ा उठा लो, जो मर्जी खाओ। तो मैंने तो सोचा कि आज यही दिन का तो मैं वेट कर रहा था कि अभी ऐसा हो। तो मैं पहले सोचता था कि ऐसा दिन तो कभी नहीं आएगा, ऐसा कि भोग तो बढ़ जाता है सारा। और आज मैंने जब अनाउंसमेंट सुना कि आज ये क्या मेरे कान में, मुझे विश्वास नहीं हुआ अपने कान पे। ये बोल रहे हैं कि जो मर्जी आज भोग रखा है टेबल में आपके सामने, प्लेट ले आइए, जो मर्जी आपको लेना है जितना लेना है, कोई है ही नहीं सर्व करने के लिए, कोई बुफे खड़ा नहीं सर्व करने के लिए, सारे भक्त प्लेट लेके आ गए। मैं प्लेट लेके आया तो प्लेट लेके तो पहले सोच रहा था, मैं हिसाब लगा रहा था कि पहले तो मैं सारी मिठाइयां ठूसूंगा, उसके बाद मिठाइयों के बाद अलग अलग टेस्ट अलग अलग करके मैं खाऊंगा, ऐसे मैं सोच रहा था। प्लेट लेके आया तो फिर मैंने जो मतलब आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने उसमें से घड़े में से निकालना शुरू किया, क्या मिठाइयां, कलाकंद, रसमलाई और वो छेना पोड़ा, खीर गजा, ये सब बंगाली डिशेज है, खीर गजा, छेना पोड़ा और क्या डिश है नाम नहीं सुनूंगा आप लोग, ऐसे ऐसे खाजा, जलेबी, दही और क्या है मिष्टी दही, ऐसे एक एक डिश पूरा खड़ा का खड़ा भरा हुआ था। तो मैंने उसमें से निकालना शुरू किया, जब तक कि प्लेट से गिरने नहीं लगा एकदम, तब तक मैंने उसको पूरा प्लेट और सच में मैंने भरा और प्लेट भर के मैं बैठ गया और सब भी ऐसा बैठ गए, कोई क्यों नहीं सब अपना बैठ गए खाने के लिए। पनीर वनीर एकदम पनीर के टुकड़े बड़े बड़े ऐसे पूरा प्लेट में मैंने ले लिया, हमने खाना शुरू किया। तो खाते खाते खाने लगे हम, खाने लगे, वाह क्या आनंद है, घड़ा देख देख के आनंद आ रहा था कि अभी दोबारा जा सकते घड़े के बाद। और जैसे ही हमने खाना शुरू किया मतलब उस प्लेट का एक चौथाई खत्म हुआ होगा, कितना, एक चौथाई, उसके बाद अब हम घड़ा नहीं, हम क्या देख रहे थे एक दूसरे का, ये प्लेट में जो तीन चौथाई बचा है कुछ वक्त अपना इंतजाम करना शुरू कर दिए। कौन सा इंतजाम? थैली का इंतजाम, कुछ वक्त अपना पन्नी का इंतजाम करना, उसको पन्नी दे देंगे पहले, वो किचन में जाकर पन्नी खाना उसे भरना शुरू कर दिए। लेकिन मैं सोचा अभी ऐसे कैसे है, ऐसे पन्नी में नहीं भरूंगा पूरा, आज चाहे उल्टी हो जाए आज तो खा के छोड़ूंगा मैं। तो मैं किसी तरीके से आधा तो निपटा दिया, आधा मिठाई वाई तो पूरा मैं खा लिया, आधा प्लेट अभी भी बच गया। और अभी ध्यान रहे 108 में से आधी डिश भी मैंने नहीं ली थी, आधी डिश भी नहीं ली थी, तो आधा मैंने निपटाया, आधा में मेरा पेट जो है फटने को आने लगा। अब मैंने सोचा कि अगर अब मैंने और खा लिया तो मेरे को यही उल्टी हो जाएगी, मैं गंदा हो जाएगा पूरा किचन है ना। तो मैंने सोचा कि क्या करें क्या करें, तो मैं सोचा थोड़ा स्वाद बदलते हैं, थोड़ा नमकीन आइटम कुछ ले आते हैं, कुछ मठरी वठरी मैंने लिया और घड़े में से थोड़ा वो खाया। लेकिन कुछ देर में ही मुझे रियलाइज हो गया कि अब इस गले के नीचे और नहीं उतर सकता, चाहे खुद भी हो जाए चाहे घड़ा मेरे सामने ला कर रख दिया जाए। तो उस दिन मुझे एक बहुत बड़ा सिद्धांत समझ में आया, तो उसमें समझ आया कि देखो इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में, बद्ध अवस्था मतलब हम जिस अवस्था में है भगवान से विद्रोह करके हम संसार में आ गए, तो मैंने समझा कि इस बद्ध अवस्था में अगर भोग भी करना चाहे ना जी तो भोग भी नहीं कर सकता, नहीं कर पाए ना भोग, कहां कर पाए भोग, कर पाए नहीं कर पाए, आपके सामने रखा है एक स्वाद घड़ा जो ले लो, कहां ले पा रहे हैं, आधे आइटम से ज्यादा हम नहीं खा पाए। तो उस दिन मुझे समझ में आया, लेकिन देखो भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृच्छति। कृष्ण के बारे में श्लोक बोला गया, कब किस श्लोक में बोलते हैं 5.29, तो उसमें बताते हैं कि भैया परम भोगने वाले तो कौन है, कृष्णा, तुम 108 भोग दो घंटे में बैठ के भी नहीं खा पा रहे,
भगवान कृष्ण 1008 भोग अपने आंखों की दृष्टि से खा लेते हैं। भगवान कृष्ण गोवर्धन के रूप में पर्वत के बराबर जलेबी खा लेते हैं और क्या बोलते हैं, और लाओ और लाओ और लाओ, हम क्या अभी बोल रहे हैं, और बन्नी लाओ और बन्नी लाओ। तो ये अंतर है भगवान कृष्ण में और एक भक्त जीव में। इसीलिए कभी भी जीव भगवान की तुलना नहीं कर सकता। ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को अध्यात्मवादी तो बोलते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हम साधना करके भगवान में लीन हो जाएंगे या हम स्वयं भगवान हैं। वो बोलते हैं कि तुम, हम सब भगवान हैं, बस अभी हम अपने आप को भूल गए। जब हम साधना करेंगे हमको याद आएगा तो अपने भगवत स्वरूप को हम जान जाएंगे। देखिए इन मूर्ख लोगों को 108 भोग खिलाओ जरा, देखो कितने भगवान निकल जाएगा सारा, आधा भोग भी नहीं खा पाओगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान हैं। तो ऐसे महान भगवान की भूख को तृप्त करने के लिए यशोदा माँ क्या करती थी, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा एक बात और, गोलोक में श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए भोग पकाती है। और आपको पता है गोलोक में क्या पकता है, गोलोक में, गोलोक मतलब आध्यात्मिक जगत में, आज तक कोई भी डिश श्रीमती राधा रानी ने रिपीट नहीं किया। अद्भुत, श्रीमती राधा रानी की, गोलोक धाम की। और कैसे होता होगा उधर समझ नहीं सकते। इसी भगवान का नाम क्या है, अच्युत, अचिंत्य। अचिंत्य मतलब, अचिंत्य मतलब क्या होता है, अचिंत्य चिंतन से परे है। चिंतन मतलब अपने चिंतन, अपने विचार से कृष्ण को समझा नहीं जा सकता है, अचिंत्य है। तो कैसे राधा रानी इनफाइनाइट डिशेस बना लेती गोलोक में, उसको समझा जा नहीं सकता है। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट, एंड दिस लास्ट पार्ट इज नाउ आई विल शो यू 3-4 स्पॉट्स व्हिच वी विल सी इन गोवर्धन धाम एंड देन वी विल डू नाइस कीर्तन। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ वो स्पॉट्स जहाँ पे हम जाने वाले हैं अगले हफ्ते। तो सबसे पहला स्पॉट है गोविंद कुंड, फिर ये हैंड कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, श्री गोविंद कुंड की जय। ओके, तो ये सबसे पहला स्पॉट है जो हम गोवर्धन यात्रा में विप्लव फेस्टिवल में जाएंगे। विप्लव फेस्टिवल में तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे लेकिन हमें एक स्लॉट मिलेगा जहाँ पे हम अलग अलग स्थान पे घूमेंगे। ये है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड के बारे में मैंने आपको बताया अभी, क्या हुआ था गोविंद कुंड में, भगवान इंद्रदेव ने भगवान का अभिषेक किया था। तो जो आप ये जल देख रहे हो ये वही जल है जो भगवान कृष्ण के अभिषेक का जल है। सोचो जैसे अभी यहाँ होली का फेस्टिवल, जन्माष्टमी में हम लोग चरणामृत पीते हैं, है कि नहीं, तो सोचो ये रियल चरणामृत है जो भगवान का अभिषेक किया गया था बिठा के, और वो जल के हम दर्शन कर पाएंगे। सोचो कितना अद्भुत स्थान है, इसी स्थान में वो अभिषेक हुआ था। फिर दूसरे स्थान हम जहाँ पे जाएंगे वो स्थान कौन सा है, आगे चलते हैं, ये है मानसी गंगा। कौन सा स्थान है, मानसी गंगा। तो भगवान कृष्ण की लीला में कई सारे अलग अलग पास्ट टाइम्स हुए कृष्ण, पूरे कृष्ण लीला में। तो भगवान कृष्ण के पास्ट टाइम्स में एक जो सबसे सुंदर अद्भुत घटनाएं घटती थी, भगवान बहुत सारे असुरों को मारते थे। तो भगवान ने एक असुर को मारा था जो काफ के रूप में आया था, बछड़े के रूप में। कौन सा था वो विजयपुर, कौन सा था वो जो बछड़े के रूप में आया था, वत्सासुर था, मेरे को भी महिषासुर, महिषासुर दुर्गा पूजा गया, महिषासुर से बाहर आ गया, वत्स के रूप में आया था वो, ना वो बछड़ा था। तो भगवान ने उसका वध किया था। जो भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था, देखना पड़ेगा मेरे को एग्जैक्ट नाम अभी चुप नहीं कर रहा है, इतने सारे असुर हैं, कौन सा असुर था पता नहीं, जो भी था तो वो बछड़े के रूप में आया था। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था, उसका वध किया था। तो जब भगवान ने उसका वध कर दिया तो भगवान के जो फ्रेंड्स थे, कृष्णा के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि भैया अब तुम्हारे साथ हम नहीं खेलने वाले हैं। क्यों, क्यों नहीं खेलोगे, तुमने क्या कर दिया है, बछड़े का वध कर दिया है, दोनों जो आपसे थे हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। कृष्णा के दोस्त ऐसे करते थे, जो गो के हित करने वाले उनको भी क्या कहते थे, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुमने क्या कर दिया है, वध कर दिया है। तो कृष्णा बोले रहे अभी क्या करें, क्या करूं, तुम अपनी टीम में ले लो मेरे को वापस, है ना, तो अपनी टीम में ले लो तो किसके साथ खेलूंगा मैं, कहां जाऊंगा। बोले भैया हम तुमको अपनी टीम में नहीं लेने वाले, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे हम। तो फिर क्या करूं, तुम खेलोगे मेरे साथ, तुम एक काम करो, तुम पहले गंगा में स्नान करो, देखो जिनके पदों से गंगा का प्राकट्य हो रहा है उनके दोस्तों को क्या बोल रहे हैं, गंगा में स्नान करके आओ पहले तब खेलेंगे। तो भैया गंगा में कहां से स्नान करें, ब्रज में गंगा है, गंगा ही नहीं ब्रज में,
तो कृष्ण तो फंस गए। अब कहां से ब्रज में जाए, तो कृष्ण ने सोचा कि अरे ब्रज में गंगा नहीं है, बाहर जाऊंगा स्नान करने के लिए तो क्या होगा, मेरे को ब्रज छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान एक क्षण के लिए भी ब्रज को छोड़ना नहीं चाहते, गोवर्धन वृंदावन सब स्थानों को छोड़ना नहीं चाहते। तो कृष्णा सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, तो कृष्णा सोचे चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकता तो क्या हो गया, किसको बुला लेते हैं यहाँ पे, गंगा को यहाँ बुला लेते हैं, गंगा देवी तो मेरे पद से ही बाहर निकलती ना, गंगा का नाम क्या है विष्णुपदी। तो कृष्णा ने आह्वान किया गंगा का और गंगा देवी को बोला कि गंगा देवी आप यहाँ पे प्रकट हो जाइए। और गंगा देवी भगवान का आह्वान सुन करके ही गोवर्धन के पास के स्थान में क्या हो गई, प्रकट हो गई। और जब फोटो में दिख रहा है सभी फोटो में, जब गोवर्धन के पास के स्थान में गंगा देवी प्रकट हुई तो कृष्णा गए और उस गंगा में स्नान करके बाहर आ गए। और गंगा गंगा में स्नान करके जब बाहर आए तो फिर ब्रज जो उनके सारे गोप थे वो संतुष्ट होकर भगवान को अपनी टीम में वापस दे दिए। और फिर इस गंगा का नाम क्या पड़ा, मानसी गंगा, क्योंकि भगवान ने अपने मन से इस गंगा को प्रकट कर लिया। और बाद में क्या, इस ये तो एक लीला हुई, बाद में ऑफकोर्स इस मानसी गंगा से रिलेटेड बहुत सारी लीला सब अभी बता दूंगा, तो वहां पर क्या बताएंगे वहां बताऊंगा, वहां पर सुना ना मानसी गंगा में। तो इस एक चीज चलो बताता हूं आपको, एक बार क्या हुआ, नंद महाराज और बाकी सारे गोपों ने मानसी गंगा में गंगा देवी के दर्शन भी किए, उन्होंने देखा कि मगरमच्छ के ऊपर बैठ करके गंगा देवी स्वयं मानसी गंगा से बाहर आ गई है और सबको दर्शन दे रही है। मानसी गंगा आप जाओगे ना, आपने किसी ने देखा है मानसी गंगा, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा। मैंने जब पहली बार देखा मानसी गंगा मेरे को लगा ये तो कुंड लग ही नहीं रहा है, ये तो लग रहा है कि इतना बड़ा सही नदी आ गई ऐसा लग रहा है। तो ये भी कहां पे है, गिरिराज जी के तलहटी पे, यहां पे हम जाएंगे। तो मानसी गंगा की जय, कितने सुंदर सुंदर स्थान हम जाने वाले हैं विक्लब में। देखो कितने दुर्भाग्यशाली कुछ लोग यहाँ जा नहीं पाए, लेकिन बेचारे वो भी क्या करें, बारिश हो रही है, गलत प्रकार का वर्षा हो रहा है, लेकिन आशा करता हूँ ये सुन रहे होंगे। तो हम लोग मानसी गंगा जाएंगे। तीसरा चलिए आपको लेके चलते हैं सब, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट ऑफ ब्रज जो आप मैक्सिमम टाइम वॉलपेपर में देखते हो, कोई गेस कर सकता है, कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर की, कुसुम सरोवर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जब रात में लाइटिंग होती है कुसुम सरोवर में तो आपको लगेगा दूसरे जगत में आ गए हो, इतना ब्यूटीफुल है कुसुम सरोवर। और इसकी लीला और भी सुंदर है जो कुसुम सरोवर पे हुई थी, पर मैं सोच रहा हूँ लीला आपको बताऊं या ना बताऊं, चलो थोड़ी अभी बता देता हूँ, थोड़ी ना बताऊंगा कुसुम सरोवर पर। तो कुसुम सरोवर में एग्जैक्टली होता क्या था, कुसुम सरोवर बना कैसे, कुसुम सरोवर वो सरोवर है जिसके पास में श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं तो करते ही थे, लेकिन श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए सुंदर फूल चुगती थी और भगवान की सेवा के लिए गोपियां भी जो थी भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूल चुग के ले जाती थी। और एक बार इस कुसुम सरोवर के पास एक अद्भुत घटना घट गई, घटना भी सुनेंगे और उसमें सुनेंगे अभी कितने बोलते हैं कि अभी सुना दीजिएगा वो क्या मुझे बोल दिए, तो कितने बोले नहीं नहीं उसी देखो कुसुम सरोवर के सामने, देखो ये लोकतंत्र है तो भक्त तंत्र है तो भक्त अधिकार, भक्त चाहते हैं कि अभी सुनाइए तो अभी सुनाएंगे। चलो हिंट देता हूँ, ये तो घटना है ना, ये नारद मुनि से संबंधित है। नारद मुनि कहाँ से आ गए कुसुम सरोवर में, नारद मुनि देखो कहीं भी चले जाते हैं, नारद मुनि स्वच्छंद विचरण करते हैं स्वच्छंद। चलो अब नारद मुनि के साथ चलो, आप लोगों को असाइनमेंट है, आप लोगों को पता लगाना है कि कुसुम सरोवर के पास नारद मुनि से संबंधित क्या घटना घटी थी, पता लगाएंगे। और जब हम लोग कुसुम सरोवर जाएंगे उस दिन, आज से ठीक एक हफ्ते बाद, आज कौन सा दिन है, शनिवार के दिन तो नहीं जाएंगे, रविवार के दिन जाएंगे, शनिवार के दिन तो बैक टू बैक बढ़िया लेक्चर्स हो रहे होंगे, तो टाइम टेबल आ चुका है। अच्छा आप में से कितने लोग विप्लो में जा रहे हैं, पूरा हैंड्रेस पूरा 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 हैंड्रेस, मैक्सिमम तो जा ही रहे हैं, आप मैक्सिमम जा रहे हैं। तो अगला सैटरडे जो होगा आप कहाँ बैठे होंगे, गोवर्धन नाम की बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है, देखा आप लोगों ने वीडियो जो मैंने भेजा था बहुत बड़ा। लेकिन अभी इंद्रदेव से थोड़ा प्रार्थना करनी पड़ेगी सबको, क्या प्रार्थना करनी पड़ेगी, इंद्रदेव पंडाल बनवाने दीजिए थोड़ा सा ना, क्योंकि पंडाल के नीचे क्या है मिट्टी, और अगर बारिश ऐसे तीन दिन और हो गई तो क्या हो जाएगा, एक और कुंड बन जाएगा, विप्लव कुंड विप्लव कुंड बन जाएगा, एक बार विप्लव होने वाला था तो विप्लव के लिए पंडाल बनाया जा रहा था, तो पंडाल के समय इंद्रदेव ने बारिश कर दी, तो उस बारिश से जो कुंड बना उस कुंड का नाम क्या पड़ा, इस्कॉन यूथ फोरम विप्लव कुंड।
तेईस कुंड का दर्शन करने के लिए बाद के आगे ड्यूटी जाएंगे, ऐसा हम नहीं चाहते, ऐसा कुंड बने। इसलिए सब प्रार्थना करिए कि बारिश रुक जाए, क्योंकि वहां पर हो नहीं पा रहा है। तो हम देख हमारी मीटिंग की आज वहां पर बहुत चैलेंज आ रहा है पंडाल बनाने में, क्योंकि पूरा एरिया कैसा है, मिट्टी का है। लास्ट ईयर आप में से कितने लोग गए थे विप्रो? लास्ट ईयर पूरा पूरा हाथ खड़ा करिए, मैक्सिमम लोग गए नहीं थे। तो लास्ट ईयर जो विप्रो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? फोगला आश्रम में हुआ था। तो फोगला आश्रम तो कैसा था? वहां तो कोई कुंड बनने की गुंजाइश नहीं थी, रेडीमेड था वो तो, लेकिन ये वाला रेडीमेड नहीं है, इसको पकाया जा रहा है। तो अगले हफ्ते हम लोग बैठे होंगे सुंदर उस पंडाल के नीचे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप, कितने लोग मैप देखने के लिए तैयार है? इतना विशाल पंडाल बन रहा है कि उसका मैप बनाया गया है, मैप, और आप देख के हैरान हो जाओगे अभी मैप। उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए लास्ट हम आपको दिखाएंगे मैप। अब यहाँ पे कुसुम सरोवर, उद्धव कुंड, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले हफ्ते, जब हम साक्षात कहाँ पे होंगे? गोवर्धन में होंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैप, तो देखिए तब तक के लिए आपको कीर्तन गाइए, प्रभुपाद जी करती हूँ, जब तक मैं व्हाट्सएप कनेक्ट करके आपको मैप दिखाऊंगा। मैप दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे एरियाज आपको दिख रहे हैं ग्रीन, और कुछ एरिया दिख रहा है येलो, ठीक है? नहीं दिख रहा ना अभी, अब दिख रहा है क्लियर? अब दिखाई दे रहा है? ध्यान से सुनिए, तो मैं कर्सर घुमाऊंगा, इससे आप समझ सकते हो कि कितना मेगा यूपी फेस्टिवल होने वाला है ना। जो नहीं जा रहे हैं
अगर वो अभी भी जा पाए, अभी भी कुछ सीट्स रह गई है, मैंने आज मैसेज ज्यादा कर दी, अभी भी चल सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद हम प्रसाद देंगे। तो ये आपको दिख रहा है, ये मेन गेट। तो ये जो रोड है इसको बोलते हैं परिक्रमा मार्ग, मतलब इस रोड के ये जो ब्लैक हिस्सा है ये गोवर्धन है, ये जो ब्लैक हिस्सा है, और ये रोड है, और इस रोड पे ये गेट है, किसका, आश्रम का ये गेट है। मैं आपको इसके बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको और बेस्ट डिसिप्लिन फॉलो करो। मैं चाहता हूँ कि आरवी रुद्रपुर के डिवोटीज बेस्ट डिसिप्लिन शो करें, बेस्ट डिसिप्लिन, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। तो ये मेन गेट है, ठीक है। मेन गेट के बाद आपको ये क्या दिख रहा है नेक्स्ट नंबर पे, रिसेप्शन। तो जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे गोवर्धन, तो हम लोग गोवर्धन में मेन गेट से एंटर करेंगे और ये रिसेप्शन एरिया होगा। रिसेप्शन एरिया में सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, बैंड, करेक्ट। जैसे ही आप एंटर, ये दो येलो दिख रहा है, येलो येलो पार्ट, तो कोई भागे ना वहां पे, एटलीस्ट इतने लोग जितने सुन रहे हैं, आप ऐसे कितने लोग चल रहे हैं विप्लव में, तो सभी जा रहे हैं, तो आप लोग भी कम से कम ध्यान से सुन लो, और ऑनलाइन कोई सुन रहा है तो वो भी सुन सकता है ध्यान से। तो ऐसा नहीं कि यहाँ घुसते ही बिल्कुल एकदम आतंक मचा दिए, भागने लगे, एकदम दौड़ने लगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया जाएगा, बैंड। बैंड मेरे को मिलेगा, मैं आप लोगों को रिसीव करूंगा। बैंड मिलने के बाद आप देखो यहाँ पे दो सेक्शन दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, शूज स्टॉक, इधर क्या लिखा है, धोती कुर्ता। ये सेकेंड फिल्टर है, पहला फिल्टर क्या था, बैंड। दूसरा फिल्टर, जैसे हम इधर आएंगे यहाँ पे, ऑफकोर्स हम लोग तो सुबह चले जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा अलग होगा, लेकिन एक जनरल में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या पहनना पड़ेगा, धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा। इसके अगर आप यहाँ पे धोती कुर्ता नहीं पहने तो आप इसको पारी नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो बैरिकेडिंग लगा हुआ है, देख रहे हो आप, ये बैरिकेडिंग लगा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉल होगा जहाँ पे बहुत सारे भक्त खड़े होंगे आपको क्या पहनाने के लिए, आइए हम आपका ये अभद्र कपड़ा उतारते हैं और आपको क्या पहनाते हैं, वैदिक कपड़ा, जिसको भगवान देख करके प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पे आप में से भी कुछ लोग वॉलंटियर्स हो गए उसमें धोती कुर्ता पहनाने के लिए, तो यहाँ पे धोती कुर्ता पहनाया जाएगा। उसके बाद इस एरिया से हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना एंट्री फ्लोर, यहाँ पे कई सारे वॉलंटियर्स खड़े होंगे जो दो चीज चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, आपके हाथ में बैंड और दूसरा आपने क्या पहन रखा है। ये जैसे गोलोक के बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं, चेक करते हैं, ध्यान से सुने थे कि नहीं, आयरन क्लास में बैठ के सो रहे थे, गुलाब जामुन ही सुने थे बस, लक्ष्मी देवी का और कुछ नहीं सुने थे। तो ऐसे ही लोग ये चेक करेंगे कि बैंड आपने पहना है कि नहीं पहना है। फिर हम लोग यहाँ पे एंटर किए, अब ये एंटर करके ये आपको दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ गिरिराज मार्केट, इसका नाम बदल जाएगा अभी गिरिराज। तो ये मार्केट लगेगा यहाँ बहुत सुंदर सा, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रसाद और बुक्स और धोती कुर्ता अलग अलग आइटम सब मिलेगा यहाँ पे, बहुत बड़ा मार्केट होगा ये। उसके बाद इससे हम जैसे एंटर करेंगे, अभी भी हम मेन पंडाल में नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वीवीआईपी गेट, गेस्ट स्पेशल प्रसाद। तो ये जो बाहर से डिवोटीज जो कुछ गेस्ट आएंगे ना, कुछ आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं और क्या पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उनकी उनको तो आप भीड़ में नहीं घुसा सकते, उनके अलग एंट्रेंस होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अलग से अरेंजमेंट रहेगा। हम लोग को किधर से जाना होगा, हम लोग इधर से आकर के इधर से आगे चलेंगे, ये देखो ऐसे ऐसे आगे चलेंगे। आप देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये अभी दिखाई दे रहा है एंट्री एग्जिट वन, और इधर क्या लिखा है एंट्री एग्जिट टू। ये यहाँ से शुरू हो गया क्या पंडाल, बहुत विशाल पंडाल, बहुत बड़ा, और यहाँ पे एंट्री एग्जिट वन एंट्री एग्जिट टू। यहाँ से एंट्री करेंगे कौन, सारे ड्यूटी सारे यूथ एंटर करेंगे। अब मैं आपको दूसरी फोटो दिखाता हूँ जिसमें जूम है, ये है पंडाल का व्यू, ठीक है, इसमें आपको दिखेगा बड़ा, दिखा आपको एंट्री एग्जिट वन एकदम क्लियर दिखाई देगा सबको, एंट्री एग्जिट वन एंट्री एग्जिट टू, ये के लिखा हुआ है मेडिकल और यहाँ पे हेल्प डेस्क, ठीक है। ये फ्री स्पेस है, हम लोग यहाँ से एंटर किए। अब देखो यहाँ पे तीन गेट दिख रहा है, पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट। हम लोगों को इस गेट में नहीं घुसना है, कहाँ से घुसेंगे, इधर से और इधर से घुसेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है ये, अब देखो यहाँ पे एक गैलरी आएगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, गेट्स के अंदर गेट्स है, यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट है, ये एक गैलरी दिख रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, मॉडल गैलरी क्या है, हाँ वहां पे जो सुंदर सुंदर मॉडल बन रहे हैं, हमारे भी बन रहे हैं बहुत बढ़िया मॉडल रुद्रपुर से। तो सारे मॉडल्स यहाँ पे जितने भी एरियाज के मॉडल्स बने होंगे सब कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। मतलब जैसे ही कोई एंटर करेगा तो सबसे पहले वो क्या देख पाएगा, मॉडल्स देख पाएगा, सुंदर मॉडल्स। उसके बाद वो मॉडल देख करके, अब देखो यहाँ पे तीन गेट दिखाई दे रहा है, गेट वन
गेट टू गेट थ्री। ये जो गेट है, ये जो ऑरेंज वाला गेट है, ये ऑरेंज लोगों के लिए है, ऑरेंज लोग है ना, खतरनाक। तो आप में से कोई इस गेट से घुसना चाहता है तो एक हफ्ते में उसको हम ऑरेंज कर सकते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब ये वाला ऑरेंज। तो ये ऑरेंज लोगों के लिए है, तो व्हाइट वाले लोग इस ऑरेंज वाले गेट में से नहीं घुसेंगे, नहीं तो वो ऑरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो साधु साधु सावधान, इस गेट से नहीं घुसना है। किस गेट से घुसना है? इधर वाले गेट से और इधर वाले गेट से। अब देखो इस पंडाल में चार ब्लॉक्स बने हुए हैं। कितने ब्लॉक्स बने हैं? ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। मतलब ये इतना बड़ा पंडाल है कि इसको चार ब्लॉक में बांटा गया है। ऑफ कोर्स ये कनेक्टेड है, ऐसा कोई बैरिकेडिंग नहीं है, लेकिन ब्लॉक्स डिवाइडेड है। तो ये जब हम इस गेट से एंटर करेंगे आप सब लोग, तो यहाँ पे हम किसी एक ब्लॉक में जा सकते हैं। देखो या तो इस ब्लॉक में जा सकते हैं, जो बैक बेंचर होंगे वो कहाँ कोने ढूंढेंगे? इधर कोना ढूंढेंगे वो अपना, यहाँ कोना ढूंढ के सोचेंगे क्या बढ़िया है यहाँ, तो पूरा सो के भी लेक्चर सुन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, पूरा सो जाओ, लेट जाओ, वो अपना कोना यहाँ ढूंढ लेंगे। लेकिन हमें, लेकिन मैं ऐसे कुछ गुर्गे लगा दूंगा जो इस कोने में किसी को बैठने देंगे नहीं। वो कहाँ पे लेके जाएंगे सबको? यहाँ लेके जाएंगे। और यहाँ पे ले जाएंगे, कहाँ बिठा देंगे पता है? यहाँ बिठा देंगे, यहाँ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इधर ना प्रवेश करें, इधर प्रवेश करें, हाँ इधर प्रवेश करें, इधर प्रवेश करके यहाँ पे अपना स्थान ले लें। और कुछ लोग इधर प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे कोशिश ये करना है कि सारे ड्यूटीज एक साथ बैठे एक ही। तो कौन से ब्लॉक में एंटर करना है? ए, याद रहेगा ए फॉर, यही बताता हूँ, यही बोल रहा हूँ, सीखो छोटे से बच्चे से, छोटे बच्चे का वीडियो सब देखी लिया होगा आपको। ए फॉर अर्जुन, बी फॉर सी फॉर डी फॉर, यहीं पे आप बता पाओगे, इसे बोलोगे दिक्कत फंस जाएंगे। यहाँ पे बैठेंगे ए ब्लॉक में, और उसके बाद ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे सोफा लगा होगा, जो और डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, वो सब बैठेंगे। और यहाँ पे शुरू हो रहा है क्या? स्टेज। इधर आप देख रहे हैं एलईडी लगा हुआ है, ये एलईडी, एलईडी लगा है। तो आप कल्पना कर पा रहे हो कि कितना विशाल ये फेस्टिवल होने वाला है। लेकिन आप सब प्रार्थना करिए कि बारिश रुक जाए, सबको प्रार्थना करना चाहिए, ताकि जय वामन, देखो जय वामन देव दिख रहा है, जय वामन देव इतनी मेहनत कर रहे हैं इस फेस्टिवल को कोऑर्डिनेट करने में। तो जय वामन देव गोवर्धन नहीं है अभी, और वहां पर दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं कि हम लोग जो गोवर्धन के पंडाल में जाकर फोटो खिंचाएंगे वो गोवर्धन का पंडाल बन जाए, उसके लिए वो अभी से वहां पे मेहनत कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये स्टेज है। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज और दिखाना था, वो दिखा करके फिर हम रैपअप करेंगे। ये देखिए, तो पहले वाले फोटो में हम आते हैं, तो मैं आपको बस एक दो चीज और दिखाऊंगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? 700 सीट्स है ना। तो इधर प्रसादम एरिया होगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऑफ कोर्स ये रिक्वेस्ट मैं कितना भी कर लूं, मुझे पता है कि इसका 50% भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग साथ में रहिएगा, है ना। अगर आप साथ में रहोगे तो देखो ये पूरा फेस्टिवल यूनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, तो हम सब भक्त पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सिटी को नहीं। देखो और सारे जो भक्त आएंगे वो अपने सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट, लेकिन हम क्या कर रहे होंगे? पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि पूरे उत्तराखंड से हम ही जा रहे हैं बस, और कोई नहीं जा रहा है, पूरे उत्तराखंड से सिर्फ हम ही जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि देवभूमि की गरिमा स्थापित रहे, तो थोड़े दिन के लिए हमको अपना जंगली बना छोड़ना पड़ेगा, आपको क्या बनना पड़ेगा? देवताओं की तरफ बिहेव, जैसे इंद्रदेव नहीं है, इंद्रदेव ऐसे बिहेव करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। तो आप लोग सब साथ में रहना, और इधर हम साथ में प्रसाद के लिए जाएंगे, इसके बगल में टॉयलेट्स रहेंगे, वॉशरूम्स रहेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ पोर्टेबल टॉयलेट्स होंगे, कुछ परमानेंट टॉयलेट्स होंगे, है ना। तो ये आपको मैंने बेसिक बेसिक सा क्या दिखा दिया, मैप। इसमें एकोमोडेशन नहीं है, एकोमोडेशन कहाँ होगा? बाहर होगा, है ना। तो मैं एक लास्ट चीज आपको बताना चाहूंगा, ऑल्दो जो उस दिन भी हम चर्चा करेंगे, ये बस पे भी चर्चा करेंगे, बस से उस पहले भी चर्चा करेंगे, यात्रा में धाम में जाने का एक मेन पर्पस है तपस्या। क्या है? तपस्या। तो कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग को लगता है कि हम जाएंगे तो, लेकिन हमको पूरा आराम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? पूरा आराम। क्या मजाक कि हमको जो होटल मिले वो 5 स्टार से कम हो जाए, एसी, अरे एसी नहीं चल रही हमारे कमरे में भाई, ये क्या अरेंजमेंट है, एसी नहीं चल रही है, एसी दिखाने के लिए लगा दी, ओहो आपको तो बड़ा एसी का आदत हो गया है। तो ये सब ड्रामेबाजी हमको क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी, तब हमको गिरिराज की वास्तविक कृपा मिल पाएगी। धाम में जाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तप करना, तपस्या। आप देखिए पहले के समय में लोग हजारों हजारों किलोमीटर कैसे जाते थे?
पैदल चल के। अच्छा आप में से, चलो तो टाइम ज्यादा हो गया, मैं रैपअप करूंगा, आप में से लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप में से किसी ने अपने बचपन में ऐसा वाला एग्जांपल देखा है कि वो मोहल्ले से कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो उनकी आरती करके माला पहनाया जा रहा है उनको, ऐसे देखा है किसी ने? किसने देखा है? मैंने तो बहुत देखा है, बहुत देखा है। तो पहले लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो ये भी नहीं पता होता था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम तो आराम से बस पे बैठते जाएंगे। तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर, तो हम लोग ऑस्टेरिटी का भाव रखें, तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं। और आप सबको बहुत हार्दिक बधाई विप्लव फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए। अभी भी आपके कुछ सगे संबंधी छूट गए तो आखिरी मौका है, मौके पे चौका लगाया जा सकता है इससे पहले कि मैच पूरा खराब हो जाए ना। श्री श्री गोवर्धन धाम यात्रा महा महोत्सव की जय, विप्लव मेगा यूथ फेस्टिवल की जय, हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देंगे, अभी हम शॉर्ट 2 मिनट कीर्तन करेंगे, तब तक प्रसाद रेडी है? ठीक है, तो ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर